Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hi dear students, welcome you all at the Edurize India online classes. मैं उषाकर मिश्रा आप लोगों के साथ बायोलॉजी का डिस्कशन कर रहा था. आज हम लोग एक स्पेशल चैप्टर लेके आए हैं. दैट चैप्टर इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, आज के इस चैप्टर में हम लोग पूरा का पूरा एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी और आर एच विटिकर का पांचों सिस्टम, नॉमेनक्लेचर क्या है, हायरार्की सिस्टम, इस सारे चीजों को डिस्कस करेंगे. सो वेलकम यू ऑल. सबसे पहला बात है नॉमेनक्लेचर. एक क्वेश्चन अराइज होता है बच्चा लोग कि नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़े या आखिर ये नॉमेनक्लेचर होता क्या है. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आप कॉमन लाइफ में देखो कि एक सुगर केन है, उसी का कई सारा नाम है. कहीं आप गन्ना कहते हो, कहीं आप केतारी कहते हो, कहीं आप मूंग कहते हो, कहीं कुसियार कहते हो, बहुत सारे नाम है. तो साइंस वर्ल्ड में एक ही चीज के या एक ही ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम वर्नाकुलर नेम थे. वर्नाकुलर नेम मतलब जो हमारे लोकल सोसाइटी में नाम दिया जा रहा है, वो बहुत सारे नेम थे. तो इससे बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा था कि कौन सा पर्सन किस चीज को डिनोट कर रहा है या किस चीज के बारे में बात कर रहा है. इसलिए साइंस का एक ये हुआ, मीटिंग हुआ, जिस मीटिंग में इस बात को प्रस्तावित किया गया कि हम लोग एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम बनाएंगे. जिस नॉमेनक्लेचर सिस्टम को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे, ही नेम एज कार्लस लीनियस. ठीक है, इन्हीं को आप लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हो. ठीक है, तो इन्होंने एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम लाया. दिस नॉमेनक्लेचर सिस्टम इज नोन एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम. क्या इसको कहे हम लोगों ने? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, यानी दो नामों का प्रथा इन्होंने स्टार्ट किया. तो दो नामों के प्रथा में सबसे पहला जो लेटर होगा, ताकि सबसे पहला जो नाम होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा जो नाम होगा वो स्पीशीज को डिनोट करेगा. जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा जबकि स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल होगा. उसके बाद जब कभी भी हम इसको प्रिंट करेंगे, यानी प्रिंटेड फॉर्म में जब कभी भी आएगा, तो ये इटैलिक में रहेगा. और जब आप हैंड रिटन करोगे तो आप इसको क्या करोगे? अंडरलाइन करोगे. यानी अगर एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं किस चीज का, लेट सपोज हम लोग बात करें पी का, तो पी का बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइगम. ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसी का हम लोग लेते हैं, पी आई. इसी को लिखने के कई सारे तरीके हैं, हम ये सारे बता रहे हैं. पी का बॉटनिकल नेम बाबू पाइसम सटाइगम होता है. आप यहाँ चार ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन एक, ऑप्शन दो, ऑप्शन तीन और ये है ऑप्शन चार. चारों ऑप्शन पाइसम सटाइगम लिखा होगा. ठीक है, ये हैंड अंडरलाइंड होगा क्योंकि हैंड रिटन है. लेकिन यहाँ ये ध्यान दोगे, जो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे जीनस का नाम तो कैपिटल लेटर में दिख रहा है, लेकिन जब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे किस चीज का, स्पीशीज का नाम, ये कहता है नियम कि स्मॉल लेटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ किस चीज में दिख रहा है? कैपिटल लेटर में दिख रहा है. इसलिए सर ये ऑप्शन सही नहीं होगा. उसी तरह तीसरे ऑप्शन को देखोगे, तीसरा ऑप्शन में जीनस का पहला लेटर तो कैपिटल है, स्पीशीज का पहला लेटर भी कैपिटल है, ये फिर से गलत है. और दूसरा बात, सारा का सारा लेटर कैपिटल हो, ये भी सही लिखने की तरीका नहीं है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. तीसरा एक ऑप्शन है जहां, दूसरा ऑप्शन है जहां पी जो है पाइसम का, जो जीनस का लेटर पी है वो स्मॉल में है, इसीलिए ये भी सही वे नहीं है लिखने का. यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जीनस का जो पहला लेटर है ये भी कैपिटल लेटर में है, स्पीशीज का जो पहला लेटर है ये स्मॉल लेटर में है, दोनों सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है, और यही करेक्ट वे है किस चीज को, किसी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को लिखने का.
इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे ह्यूमन का ह्यूमन का नोमेनक्लेचर जब करोगे तो आप लोग ह्यूमन को कहते हो होमो सेपियंस। उसी तरह से जब आप बात करोगे धान का या चावल जिसको आप लोग कहते हो उसका नाम है ओराइजा सेटाइवा, गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवम, इस तरह से कई सारे नाम हैं, जैसे लायन को पैंथ्रा लियो, ये सब कई सारे नाम हैं जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के एग्जांपल है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को ये सारी बात? अब बात है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ एक शब्द आया था बच्चा लोग, क्या था सर? शब्द था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है ये दो शब्दों से बना, टैक्सिस प्लस नॉमी। क्या है दो शब्द? टैक्सिस प्लस नॉमी, यानी जब हम किसी भी चीज का अरेंजमेंट कर उसका स्टडी करते हैं तो उसी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी में तीन ब्रांच होता है। सबसे पहला ब्रांच है कि सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, पहचानेंगे, यानी कि आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है। दूसरा जो प्रोसेस है कि पहचानने के बाद हम उसका नामकरण देंगे, दैट इज नोन एज नोमेनक्लेचर। और तीसरा जो नाम है, तीसरा जो काम होता है, दैट इज क्लासिफिकेशन। अब हम पहचान लिए, नाम भी दे दिए, तो अब हमको ये देखना है कि जो मैंने पहले से ग्रुप्स बना रखे हैं उसमें वो कहाँ पे फिट बैठता है, यानी उसको हम लोगों को क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफिकेशन में एक हायरार्की होता है। हायरार्की का मतलब एक सीढ़ी होता है। उस सीढ़ी को हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो एक शॉर्ट फॉर्म होता है कीप अ पॉट क्लीन, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। अगर किसी के घर में पॉट है, घड़ा है, और आप उसको साफ सुथरा नहीं रखोगे और उसी से पानी पीते रहोगे तो बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे, जो आप लोगों ने डिजीज चैप्टर में डिस्कस भी किया होगा, अपने से पढ़ा होगा। तो वही बात है कि कीप पॉट क्लीन, घड़ों को साफ रखो, घड़े को साफ रखो, नहीं तो आप बीमार पड़ोगे। इसी से हायरार्की याद हम लोग करेंगे। के फॉर कीप, के फॉर किंगडम, सबसे सुपीरियर होता है किंगडम। पी फॉर पॉट, पी फॉर फाइलम, इसी सिक्वेंस में हम लोगों को याद रखना है। तीसरा है सी फॉर क्लीन, सी फॉर क्लास। ओ फॉर अदरवाइज, ओ से क्या बना, क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑर्डर। एफ फॉर फैमिली, यानी यहाँ फैमिली से फैमिली बना। जी फॉर गेट, यहाँ जी से क्या बना, जीनस। और एस फॉर सिक, एस से क्या बना, स्पीशीज। क्लियर है? ये सिक्वेंस इसी तरह याद रहेगा। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा होगा सर किंगडम, और सबसे छोटा सर कौन सा होगा, स्पीशीज। तो स्पीशीज को आप लोग कहोगे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी को आप क्या कहते हो, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का ये सबसे छोटा एक, ये अगर पूरा का पूरा दीवार है तो ये उसका एक ईंट है, एक छोटा सा है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अब आर एच विटिकर नाम के एक साइंटिस्ट आए थे। कौन? आर एच विटिकर। 1969 वो ईयर था। ये अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफाई किया था। क्या दिया था इन्होंने? इन्होंने दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले भी कई सारे क्लासिफिकेशन आ चुके थे, जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन था। ये सारे क्लासिफिकेशन में कुछ ना कुछ डिमेरिट्स थे। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में भी कुछ डिमेरिट्स थे, लेकिन ये वाइडली एक्सेप्टेबल था क्योंकि ये बहुत सारे आंसर्स, बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर कर रहा था। तो एक ऑर्गेनिज्म का पूल है। ऑर्गेनिज्म पूल मतलब एक सारे के सारे अर्थ के जितने ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ कैरियोट्स, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, दो पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया। सबसे पहला प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, जो यूनिसेलुलर थे, उनको, उनके लिए पहला किंगडम बना मोनेरा। यानी आप एक बात याद रखोगे कि जो कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा वो कहाँ जाएगा, मोनेरा में जाएगा। फिर यूकैरियोट्स में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म थे,
तो यूकेरियोट्स को फिर क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। सेल दो तरह के होते हैं, दो हो सकते हैं, या तो यूनिसेलुलर या तो मल्टी सेलुलर। जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उससे क्या बने, उन्होंने बनाया प्रोटिस्टा, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे इनको फिर क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। तो विच सेल वॉल थे और एक विदाउट सेल वॉल, तो विदाउट सेल वॉल एक अलग ग्रुप बनाए, दैट इज एनिमेलिया, और विथ सेल वॉल फिर दो फंक्शन में आए, क्या ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब अपना खाना खुद से बना रहे हैं, अगर खुद से बना रहे हैं तो वो बनाए प्लांटी, और अगर वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं तो उन्होंने बनाया फंजाई। तो ये पांच किंगडम इन्होंने दिया, क्या क्या पांच किंगडम था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, उसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, क्लियर है, कोई क्वेश्चन यहां तक? अब हम लोग बात करेंगे मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा की बात जब हम लोग करेंगे तो हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, और लेक्चर वन के में हम लोगों ने जब सेल पढ़ा था डियर स्टूडेंट, तो हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स के सारे कैरेक्टर पढ़ लिए थे। आज एक बार उसको क्विकली रिवाइज कर लेंगे तो हम लोग मोनेरा के भी सारे कैरेक्टर पढ़ लेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर, दे डोंट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके पास न्यूक्लियॉइड होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। दूसरा, या ऑर्गेनल्स भी इसमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। दूसरा पॉइंट, डू नॉट एनी ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन, यानी हम लोग की तरह किसी भी तरह का मल्टी सेलुलर डिजाइन बॉडी का नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा डाइवर्स होते हैं। दूसरा, इनमें सम ऑफ देम हैव अ सेल वॉल व्हाइल सम डोंट हैव, जिसमें सेल वॉल होंगे उनका सेल वॉल बना हुआ होगा पेप्टिडो ग्लाइकेन के जैसा, कि किसमें होता है, बैक्टीरिया में होता है। क्लियर है, उसके बाद बैक्टीरिया का यह स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो, दिस इज न्यूक्लियॉइड, न्यूक्लियॉइड के बाद यहाँ राइबोसोम है, और सारे स्ट्रक्चर थे जो हम लोग प्रोकैरियोट्स में पढ़ रखे हैं, और इस साइड जो स्ट्रक्चर है, दिस इज एनाबेना, एनाबेना इज एग्जांपल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA, ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा नॉस्टॉक, ये भी एक एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी का है, ठीक है, या साइनोबैक्टीरिया भी आप इसको कहते हैं। इसी का एक मेंबर है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा सेल कौन सा होता है बाबू, आंसर करना आप लोग, सबसे छोटा सेल लिविंग सेल कौन सा है, आंसर करो, हर्षित सही बता रहे हो, सबसे छोटा सेल जो है वो PPLO है, यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, वो भी किसका मेंबर है, मोनेरा के मेंबर है, ठीक है। जो नॉस्टॉक या एनाबेना का स्ट्रक्चर है, ब्लू ग्रीन स्ट्रक्चर है, इसमें एक स्पेशल सेल होते हैं, दिस स्पेशल सेल इज नोन एज हेटरोसिस्ट। हेटरोसिस्ट को डिफाइन करोगे, इट इज मॉडिफाइड, ये क्या है, इट इज मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या क्या करने के लिए मॉडिफाई हुआ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, क्लियर है, यहां पे स्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, मोनेरा क्लियर। नाउ मूव टू द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के जो बॉडी, प्रोटिस्टा जो होंगे ये कैसे होंगे, तो प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स होने के कारण इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलता है, इसके बाद अदर मेंबर बाउंड ऑर्गेनल्स भी इसमें देखने को मिलता है। दूसरा चीज, इसमें लोकोमोशन के लिए किसी किसी में स्यूडोपोडिया होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है लोकोमोशन के लिए, जबकि यूग्लिना में फ्लैजिला होता है लोकोमोशन के लिए, और पारामीशियम में सीलिया होता है, किस चीज के लिए, लोकोमोशन के लिए। दूसरा, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये मे बी ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं,
और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। युगलीना को एक याद रखोगे, इट इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, क्या कहते हैं इसको, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्यों? क्योंकि ये युगलीना कभी कभी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है और जरूरत पड़ने पे यही युगलीना हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है। या इसमें सारे के सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, इसमें सीलिया होगा, फ्लैजेला होगा या सुडोपोडिया होगा। न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है। और एग्जाम्पल्स क्या क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी, डायटम्स और प्रोटोजोआ। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज फंजाई। फंजाई एक ऐसा ग्रुप है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कंसिस्ट करता है, लेकिन ध्यान दोगे कि इसमें एक मेंबर है जिसका नाम ईस्ट है, ये यूनिसेलुलर होते हुए भी कहां फंजाई में एसोसिएटेड है। इसके अलावा फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जिसमें खास करके ये सेप्रोफाइटिक है, यानी डेड और डिके पे ये क्या करेंगे, अपना फूड लेंगे, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। और दूसरी बात, ये बहुत कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। हम लोगों को फंगल डिजीज कई सारे होते हैं, वो सारा का सारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो किया। तीसरा मेन कैरेक्टर, इसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट होगा, लेकिन ये सेल वॉल किस चीज का प्रेजेंट होगा, काइटिन का बना हुआ होगा। प्लांट में यही सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होता है। समटाइम ये फंजाई जो है वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन छोड़कर सिम्बायोसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी दिखाता है, यानी कि म्यूचुअल एसोसिएशन बनाएगा। ठीक है, म्यूचुअल एसोसिएशन में ये जब ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, यानी फंजाई जब किसके साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएशन बनाता है, तो इसी को हम लोग लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। क्लियर है, यही लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटेड है, जहां पॉल्यूशन होगा वहां लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें खाना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो फंजाई का मेंबर्स है जिसको हम लोग माइक्रोबायोटेंट कहते हैं, वो इसमें रहेगा, मतलब ये शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए और वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह का एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है, जब फंजाई किसके साथ, एक जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है वो आज हम लोग पढ़ेंगे, एक जिम्नोस्पर्म का मेंबर है पाइनस, इसके साथ एसोसिएशन अगर शो करे, जिसको हम लोग लास्ट में क्या कहते हैं, माइकोराइजा, तो ये भी एक एसोसिएशन फंजाई के द्वारा देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज प्लांटी। प्लांटी में फिर क्लासिफिकेशन होता है। प्लांटी के क्लासिफिकेशन को हम लोगों को थोड़ा समझना है। प्लांटी के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला नंबर है कि अगर प्लांट का बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो उसको हम लोग थैलोफाइटा कहें। थैलोफाइटा दो शब्द से बना है, सबसे पहला वर्ड आया है थैलो और दूसरा वर्ड आया है दैट इज फाइटा। थैलो वर्ड आया है किससे, थैलस से, और थैलस किसको कहते हैं, थैलस कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड, क्या कहेंगे बाबू, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। मतलब कि इसमें हमको ये नहीं पता चलेगा कि ये अगर प्लांट है तो इसमें रूट कहाँ है, इसमें लीफ कहाँ है, इसमें स्टेम कहाँ है। और फाइटा वर्ड का मतलब हमेशा होता है प्लांट। क्लियर है, तो जिसमें बॉडी पार्ट डिफरेंशिएटेड नहीं है, दैट इज थैलोफाइटा। थैलोफाइटा रिप्रेजेंट करेंगे एल्गी को। दूसरा मेंबर होता है जहां डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन तो सभी में होगा, फिर ये क्लासिफाई हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर बंडल। अगर वेस्कुलर बंडल एब्सेंट है लेकिन कुछ कुछ प्लांट पार्ट्स देखने को मिलता है, तो वो एक मेंबर बनाएंगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रायोफाइटा। क्लियर है, और अगर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है तो फिर वो दो पार्ट में क्लासिफाई होंगे, क्या वो अपना सीड बनाता है या सीड, सॉरी, क्या वो अपना सीड नहीं बन रहा उसने या सीड बनता है। अगर सीड नहीं बन रहा है तो वो मेंबर्स बनाएंगे टर्डोफाइटा। यहां तक में फ्लावर्स की चर्चा नहीं आई है, तो इसीलिए इन सारे मेंबर्स को हम लोग प्रोटोजोआ भी कहते हैं। ठीक है, इन तीनों मेंबर्स को, यानी एल्गी को, ब्रायो को, ब्रायोफाइटा को यानी, और टेंडोफाइटा के मेंबर्स को
जिसमें फ्लावर नहीं बन रहा है, इन तीनों के मेंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इन तीनों के मेंबर्स को हम लोग एक साथ जब मिला दोगे तो इनको हम लोग क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। दूसरा होता है फैनरोगैम्स, जिसमें सीड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये दो तरह से हो सकते हैं, क्या सीड कवर्ड है या सीड अनकवर्ड है। अगर सीड जो है, सीड अगर कवर्ड है, ठीक है, सीड अगर कवर्ड नहीं है तो वो बनाएंगे जिम्नोस्पर्म, और अगर सीड कवर्ड है किसमें, फ्रूट के अंदर, तो वो बनाएंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फिर दो तरह का ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन, सबसे पहला डाइकॉट और उसके बाद मोनोकॉट। डाइकॉट में दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होंगे और मोनोकॉट में एक सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा। क्लियर है प्लांट क्लासिफिकेशन। अब हम लोग एक एक पार्ट को, एक एक क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यानी फर्स्ट टाइम हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे थैलोफाइटा। दीज आर द डायग्राम एसोसिएटेड विद थैलोफाइटा, जो हम लोगों को एनसीईआरटी के किताब में डिस्कशन के लिए दिया गया। पहला पॉइंट है प्लांट दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप। हम लोगों ने सीधा अभी भी पढ़ा है कि थैलोफाइटा दो शब्द से बना है, यानी कि इसमें वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी वाले मेंबर्स नहीं होंगे। इनको कॉमनली एल्गी कहा जाता है। इनका ये प्रीडोमिनेंटली ये कहां होंगे, ये एक्वेटिक लाइफ साइकिल शो करेंगे। ये लैंड में ज्यादातर नहीं होते। इनके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, अल्वा, कार्न, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स है। ये इनके रिस्पेक्टिव डायग्राम्स है। स्पाइरोगायरा को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, That is pond silk। ये एक साल आपके NTSC का क्वेश्चन रहा, ठीक है। वहीं कारा को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, That is stone wort। क्लियर है dear students? Next is bryophyta। bryophyta को amphibians of plant कहा जाता है, क्योंकि ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर डिपेंडेंट होता है, जबकि ये इसका कंप्लीट लाइफ टेरेस्ट्रियल होते हैं। यानी कहने का ये मतलब है डियर स्टूडेंट कि ये ग्रो तो कहाँ करेंगे, ये ग्रो लैंड पे करेंगे, लेकिन जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो गैमेट के ट्रांसफर के लिए इनको वाटर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। यानी जो दोनों लाइफ फॉर्म में क्या करे, सस्टेन करे। दूसरा बात, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बॉडी का होता है इन द फॉर्म ऑफ लीफ एंड इन द फॉर्म ऑफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आप इस लीफ डायग्राम में देख रहे हो, मार्केंशिया का ये डायग्राम है। मार्केंशिया के इस डायग्राम में आपको लग रहा है कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जबकि फ्यूनेरिया के डायग्राम में आप यहां देखो, दिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे आर नॉट द ट्रू लीफ। और ये क्या है, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जबकि ये एक्चुअली स्टेम नहीं। तीसरा बात जो मेन कंडीशन है कि इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस लाइक फ्लोएम या सॉरी लाइक फूड नहीं होते। यानी ये जो ग्रुप होंगे इसमें क्या, जाइलम और फ्लोएम का क्या होगा, एब्सेंस होगा। यानी इनमें ट्रैकियल एलिमेंट मतलब जिसमें ट्रैकिंग पार्ट हो वो क्या होंगे, एबसेंट। क्लियर है मेरी बात? एग्जाम्पल हम लोगों को याद रखना है, मॉसेस का एग्जाम्पल फ्यूनेरिया है और मार्केंशिया, रीशिया, ये सब ब्रायोफाइट्स के मेंबर है, ठीक है। तीसरे ग्रुप्स जो हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है, यानी यहाँ पे रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट होगा। दूसरा बात, यहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो है वो हिडन होगा। और नेक्स्ट बात, इनमें जाइलम फ्लोएम यानी वाटर कंडक्शन के लिए टिश्यू वेल डेवलप फर्स्ट टाइम होते। तो पहला पॉइंट, बॉडी डिफरेंशिएटेड हो गया, हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सब्सटेंस। तीसरा एग्जाम्पल्स हम लोगों को देखना है, मार्सिलिया के एग्जाम्पल्स आप लोग यहाँ देख रहे हो। दूसरा कुछ हॉर्स है, हॉर्स टेल का एग्जाम्पल है, इसका बॉटनिकल नेम है इक्विसिटम, EQUISTEM, ठीक है। दूसरा बात, ये क्रिप्टोगैम्स के मेंबर्स हैं, यानी इनमें रिप्रोडक्टिव होल्स जो होंगे वो क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव होल्स हिडन होंगे। दूसरा बात कि इनमें सीड बनाने की कैपेसिटी होगी, जिसके कारण इनको हम लोग दो पार्ट, दो चीजों में और कहते हैं,
इनके सीड्स को, एक सीड को होमोस्पोरस सीड, दूसरे सीड को हेटरोस्पोरस सीड भी कहा जाता है। दूसरी तीसरी बात कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, सीड से सीड जो बना है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस का क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस का ही रिजल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें एम्ब्रियो बनेंगे। अब तक जो मेंबर थे यानी थैलोसाइटा और रायोसाइटा के जो मेंबर्स थे उसमें एम्ब्रियो नहीं बन रहा, क्लियर है। अब जो मेंबर्स आएंगे इनमें फ्रूट्स, इसमें सीड्स होंगे, दैट इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म दो वर्ड से बना, सबसे पहला है वर्ड जिम्नो जिसका मतलब होता है नाइफेड, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी ये ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जिसमें सीड जो है वो नैकेड है, यानी ये इनक्लोज्ड नहीं है, ढके हुए नहीं है फ्रूट्स में। जो तीसरी बात, ये पेरेनियल होते हैं यानी सदाबहार होते हैं, सालों साल ये हरे रहते हैं, एवरग्रीन होते हैं। इसका एग्जाम्पल पाइनस है। इसी पाइनस के साथ फंजाई जब एसोसिएशन शो कर रहा था तो हम लोगों ने इसको माइकोराइजा कहा। दूसरा एग्जाम्पल दैट इज ऑफ साइकस। एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखने होंगे और मेन मेन कैरेक्टर्स याद रखने होंगे हर ग्रुप्स के फॉर योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म भी दो वर्ड से आया है, पहला वर्ड एंजियो है जिसका मतलब होता है कवर, और दूसरा वर्ड स्पर्मा है जिसका मतलब होता है सीड। इसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं कि उसमें, क्योंकि इसमें वेल डिफरेंशिएटेड वेल कलर्ड फ्लावर प्रेजेंट होता है। तीसरी बात, यहाँ पे फ्रूट्स जो ओवरी प्रेजेंट होगा फ्लावर में, वही ओवरी आगे चल के फ्रूट्स बनाएगा जिसके अंदर सीड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और उस सीड में एम्ब्रियो डेवलप होंगे। यानी एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर क्या क्या है, ये वेल डेवलप्ड प्लांट है, यानी इसमें ट्रैकल एलिमेंट्स होंगे, इसमें डिफरेंशिएशन होगा, इसमें फ्लावर्स होंगे, इसमें फ्रूट्स बनेगा, इसका सीड कवर्ड होगा, ठीक है, क्लियर है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन ये दो ग्रुप में हो जाते हैं, एक मोनोकॉट दूसरा डाइकॉट। मोनोकॉट में एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा और डाइकॉट में दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हम लोगों ने डिस्कशन प्लांट का कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे एनिमल का। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, पूछो। आई हैव गॉट नो क्वेश्चन सो आई मूव फॉरवर्ड। और अगली, अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमेलिया के बारे में। अब ध्यान दोगे आप लोग फिर से, ये जो चार्ट बनाया था हूं मैं, इसके बाद भी एक चार्ट होगा, दिस इज चार्ट ऑफ कंप्लीट, क्या है, समरी टाइप है। आप लोग ये सब चार्ट्स अपने कॉपी में या जहां भी देख रहे हो वहां जरूर बना लो, ये आप लोगों के लिए समझने के लिए, याद करने के लिए इसेंशियल। सबसे पहला, एनिमल्स ग्रुप दो लेवल में डिफरेंशिएट होते हैं। द फर्स्ट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब जो सेल के गुच्छों से बना हुआ है, जिसमें टिश्यू नहीं प्रेजेंट है, जो एनिमल का प्रिमिटिव फॉर्म है, दैट इज पॉलीफेडा, ये पहले ग्रुप आएंगे। दूसरे कि अब सेल से तो बने हुए, तो दूसरा क्या होगा, उससे एडवांस होगा, यानी कि अब सारे के सारे टिश्यू वाले होंगे। टिश्यू वाले जो होंगे वो फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तीन पार्ट में। सबसे पहला को कहेंगे हम लोग ए सिलोमेंट। क्या कहेंगे बाबू, सबसे पहले को हम लोग कहेंगे ए सिलोमेंट, यानी जिसमें सिलोम नहीं पाया जाता। सिलोम क्या होता है, सिलोम मतलब नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, क्लियर है। तो ए सिलोमेट का एग्जांपल, ए सिलोमेट किसमें है, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिंथस के जो मेंबर होंगे वो ए सिलोमेट होंगे, जबकि सीरो सिलोमेट लग रहा है कि वहां डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन डिफ्रेंसिएशन नाम की कोई चीज है, एक्चुअल डिफ्रेंसिएशन वहां नहीं है, दैट इज सीरो सिलोमेट। तो सीरो सिलोमेट हम लोग निमेटोड या निमेटीहेलमिंथस में देखते हैं। सिलोमेट वाले मेंबर्स फिर दो फॉर्म में, दो बार में डिवाइड होते हैं। क्या, कि जब मेसोडर्म सेल जो है अराइज फ्रॉम सिंगल सेल ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के ग्रोथ के समय मेसोडर्म का जो सेल है वो एक सेल से अगर डेवलप हो जाए, दैट इज एनेलिडा, मोलस्का और अर्थोपोडा इसमें आ जाएंगे। दूसरा है जिसमें नोटोकॉट नहीं पाए जाते हैं और नोटोकॉट पाए जाते हैं। जिसमें नोटोकॉट नहीं पाए जाएंगे वो क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्माटा, और जो बच गए दैट इज जिसमें पाए जा रहे हैं दैट इज कॉर्डाटा। नोटोकॉट अगर पाए जा रहे हैं दैट इज
कोर डाटा, कोर डाटा फिर दो पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्या अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कहां तक, लार्वल स्टेज तक, लेकिन बहुत रूडिमेंटरी है, बहुत छोटा है, बहुत कम वैल्यूएबल है, तो उसको हम लोग प्रोटोकॉर डेटा यानी कोर डेटा के पहले स्टेज को प्रोटोकॉर डेटा कहते हैं। और दूसरा कि जब नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाए किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, हमारे स्पाइनल स्पाइन से इन एडल्ट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट्स फिर डिफरेंशिएट होते हैं, नीचे देखोगे आप कई सारे फॉर्म है। सबसे पहला है कि जॉलेस हो, सर्कुलर माउथ वाले हो, स्केलिस मतलब जिसके ऊपर खोइचा नहीं है, मछली निकालते हो तो निकलता है ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो मछली वाला साफ करता है, दैट इज स्केल्स। वो नहीं है, स्लाइमी स्किन है यानी एकदम चिपचिपा सा स्किन है, दैट इज साइक्लोस्ट्रोमाटा। दूसरा है कि एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट हो, एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर में एक स्केल्स के खोइचा प्रेजेंट हो, इंडोस्केलेटन या कार्टिलेज यहाँ प्रेजेंट होगा, और ये ब्रीथिंग कहाँ से करेंगे, गिल्स से करेंगे, दैट इज फिशेज यानी यही आगे चल के फिश के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा कि अगर गिल्स प्रेजेंट है लार्वा में लेकिन आगे चल के लंग्स प्रेजेंट हो एडल्ट में, स्लाइमी स्किन हो, तो वो जो मेंबर बनाएंगे दैट इज एम्फीबिया सच एज फ्रॉग। नेक्स्ट है अगर एक्सोस्केलेटन स्किल्स के हैं और एक देने वाले ऑर्गेनिज्म है आउटसाइड द वाटर, दैट इज रेप्टिलिया। क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म क्रीप करेंगे रेंगेंगे, वो रेप्टिलिया है। नेक्स्ट है अगर एक्सोस्केलेटन फीडर से बना हुआ है और फ्लाइट पॉसिबल है, उड़ सकते हैं, वो जो मेंबर्स बनाएंगे दैट इज एप्स। और अगर एक्सोस्केलेटन में हेयर प्रेजेंट है सच एज आवर फर, उसके बाद मोस्टली ईयर यहाँ प्रेजेंट होगा, और अपने यंग वंस को बर्थ दे नॉट एज इन द फॉर्म ऑफ एग, तो वो बनाएंगे मैमिलिया सच एज ह्यूमन। ये पूरा का पूरा समरी एनिमेलिया किंगडम का है, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कशन सबकी करेंगे, लेकिन ये डिस्कशन ये आप लोग जरूर समझेंगे। नाउ नेक्स्ट, तो बेसिकली हमारे पास कितने फाइलम आए बाबू, बेसिकली हमारे पास 10 फाइलम आए। सबसे पहला फाइलम आया दैट इज पॉलीफेरा, सेकेंड इज सिलेंट्रेटा, थर्ड इज टीनोफोरा, फोर्थ इज टेटीहेलमिंथिस, फिफ्थ इज स्केलेहेलमिंथिस, सिक्स्थ इज एनिलेडिया, सेवेंथ इज अर्थोपोडा, एट्थ इज मोलस्का, नाइन्थ इज इकाइनोडर्माटा, टेंथ इज हेमिकॉर्डाटा, एंड द लास्ट वन इज कॉर्डाटा। क्लियर है? और इनके फिर सेगमेंट हम लोग देखेंगे, क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलीफेरा में कहां तक थे, सेल तक थे, तो सेलुलर। सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में कहां तक होते हैं, टिश्यू। प्लेटीहेलमिंथिस में ऑर्गन हो जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। स्केलेहेलमिंथिस में ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम डेवलप करेंगे, यानी प्लेटीहेलमिंथिस के ऑनवर्ड आप कहीं भी चले जाओ तो वहां क्या होगा, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डेवलप कर जाएंगे। यहां तक आपको ऑर्गन नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में, लेकिन प्लेटीहेलमिंथिस स्केलेहेलमिंथिस एनालिडा अर्थोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्माटा हेमिकॉर्डाटा क्वाडाटा, इनमें कुछ ना कुछ छोटे एक ही दो सही लेकिन ऑर्गन प्रेजेंट होगा। सेकेंड इज सिमेट्री। सिमेट्री कहने का मतलब लेट सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म है, तो इसको आप कितने भाग में क्या कर सकते हो, काट सकते हो, उसी को सिमेट्री कहते हैं। जैसे हमने एक भाग में काटा दैट इज बायलैटरल सिमेट्री, अगर इसको किसी भी रेडियस से काट सकते हैं तो इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म देख रहे होंगे कि बायलैटरल है, कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे है, रेडियल सिमेट्री। थर्ड इज सिलोम। पॉलीफेरा में सेल है तो वहां सिलोम का कोई बात ही नहीं, एब्सेंट। सिलेंट्रेटा टीनोफोरा इन सारे जो है ये सारे ए सिलोमेट है, क्योंकि इन सारों में सिलोम क्या है, एब्सेंट है। प्लेटीहेलमिंथिस में सिलोम नहीं है, ये भी एब्सेंट है, जबकि स्केलेहेलमिंथिस के मेंबर जो है वो स्यूडो सिलोमेट के हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो नेमेटोड्स का मेंबर है ना स्यूडो सिलोमेट का, जबकि प्लेटीहेलमिंथिस और सिलेंट्रेटा के मेंबर क्या थे, ए सिलोमेट थे। पॉलीफेरा भी ए सिलोमेट होंगे। उसके बाद जो मेंबर्स बचे एनालिडा से लेकर लास्ट वन तक, ये सारे के सारे सिलोमेट। नेक्स्ट, अब किसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, किसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, किसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्या डिस्टिंग्विश फीचर है, दीज आर द ऑल टू ऑल समरी ऑफ योर एनिमल किंगडम। क्लियर है यहां तक इस बात को समझने में, कि सर इसमें से ये वर्ड आप हमको एक्सप्लेन कर दीजिए।
I am waiting for your response, dear student. Prominent characters भी हम लोगों ने, distinguished features भी हम लोगों ने यहाँ discuss लिख रखा है discussion के लिए. आज जब हम लोग questions बनाएंगे तो इन सारे characters की जरूरत पड़ेगा. Clear है? Should I go through each phylum or I go through questions? जैसे Porifera के members. देखो Porifera के members में कुछ points याद रखोगे. ये बने हुए होंगे pores से. Motility इसमें नहीं होगी, यानी ये substratum से पकड़े हुए होंगे. तीसरा, इसमें water canal system होगा, ठीक है. ये सारी बात इसमें ध्यान रखोगे. इसमें खाना diffusion से आएगा. जैसे यहाँ एक फोटो बना हुआ है साइटन का. ये देखो यहाँ बड़ा सा मुंह है, इसको हम लोग ऑस्कुलम कहते हैं. और यहाँ देखो छोटे छोटे से छेद हैं, इसको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है. क्लियर है? ये स्पॉन्ज बेसिकली कहलाते हैं. ये मरीन हैबिटेट, ये मरीन हैबिटेट में ज्यादातर पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज सिलेंड्रेटा या नीडियंस. इनके पास ये पावर होगा कि ये दो स्पेशल लेयर सेल से बने हुए होते हैं. वन मेक अप द सेल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड अदर मेक अप द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी. जैसे कोरल लीफ जितने हैं वो सारे इसके एग्जांपल हैं. हाइड्रा इसके एग्जांपल है. जेलीफिश इसके एग्जांपल है. सी एनिमल्स इसके एग्जांपल्स हैं. आप एग्जांपल्स के डायग्राम देख रहे हो. यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है. इसके टेंटिकल्स में ही स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं. जिस स्टिंगिंग सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग नीडियंस कहते हैं. इसीलिए इसके मेंबर्स को हम लोग नीडेरिया भी कहा जाता है. बाबू वेरियस सिमेट्री नहीं है, दैट इज रेडियल सिमेट्री. कौन है? रेडियल सिमेट्री होता बाबू. जैसे इसी डायग्राम को देखो, ये सी एनिमल्स को आप चाहो तो लंबा ऐसे भी काट सकते हो, इसको चाहो तो आप ऐसे भी काट सकते हो. ये तो 2D डायग्राम है, 3D डायग्राम नहीं है. इसका 3D डायग्राम आप ऐसे देख रहे हो, है ना. ये ऊपर में टेंटिकल्स है और ये स्ट्रक्चर है. आप इसको ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, किसी भी पोर्शन से काटोगे, दैट इज रेडियल सिमेट्री. इक्वल पार्ट में डिवाइड हो. जैसे इसी को देखो, आप एक टेंटिकल्स पकड़ के नीचे उतरो, एक इधर वाले से पकड़ के काटो, ये भी इसी से कटेगा, दो. तो हर पार्ट इसका रेडियल सिमेट्री. प्लेटी हेलमेंथिस, ये जो ग्रुप होंगे इसमें बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगा. बायलैटरल सिमेट्री कहने का मतलब एक ही लैटिस, जैसे हम एक का काट के दिखा रहे हैं, एक ही पॉइंट से आप इसको इक्वल पार्ट में काट सकते हो. अगर आप कहीं और से कटिंग करना चाहोगे तो इसमें कटिंग नहीं होगा. दूसरा बात, ये जो मेंबर्स होंगे, ये सारे ये मेंबर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे. ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब 3 लेयर ऑफ सेल्स से ये बना होगा, ठीक है. क्लियर है? इसमें टिश्यूज बनना शुरू होगा, ठीक, जो बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं. ये समटाइम फ्री भी होंगे, समटाइम ये डिजीज काउज करेंगे. जैसे यही टेपवॉर्म हम लोगों के अंदर डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म की तरह भी काम करता है. लिवर स्लोक भी डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म है. प्लानेरिया है. प्लानेरिया के बारे में आप लोग जानते हो कि इट्स सो रीजनरेशन, यानी प्लेटी हेलमेंथिस के मेंबर्स जो भी होंगे उसमें फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा होगा, बहुत हाई होगा. क्लियर है? नेक्स्ट इज नेमेटोड्स. ये भी मेंबर जो होंगे ये बायलैटरल सिमेट्री होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे. बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है. इसका बॉडी मोर और लेस सिलेंड्रिकल होगा. इसके बाद यहाँ पे टिश्यूज होंगे बट नॉट द रियल ऑर्गन. यहाँ ऑर्गन नाम का कोई चीज अभी नहीं आएगा. यहाँ स्यूडोसोलोम प्रेजेंट होगा. ये सारी बात हम लोगों ने पहले समरी में कर रखा है. ये कुछ डिजीज काउज करेंगे. जैसे ह्यूमन बींग में एक डिजीज होता है एलिफेंटियसिस. ह्यूमन बींग में एक डिजीज काउज होता है, दैट इज एलिफेंटियसिस, जो फ्लीरियल वॉर्म से होगा. दैट वॉर्म इज अ मेंबर ऑफ नेमेटो हेलमेंथिस, ठीक है. इसी तरह के और भी डिजीज काउजिंग होते हैं, जैसे एस्केरिस. ये भी एक डिजीज है जो एस्केरिस से हो रहा है, एस्केरिसियस. तो वो भी एक डिजीज काउजिंग मेंबर है जो एस्केरिस से हो रहा है. वाउचेरिया, ये सारे मेंबर नेमेटो हेलमेंथिस के या नेमेटोड्स के. नेक्स्ट इज एनालिडा. एनालिडा वर्ड जो आया है वो वर्ड आया है एनालुलस से, A-N-U, और इसका मतलब होता है रिंग. आप तीनों फिगर को गौर से देखो, तीनों फिगर में ऐसा लग रहा है कि सर एक
दो तीन कई सारे रिंग जो है एक दूसरे पे अरेंज हो गए हैं, यानी इसके बॉडी कैसे होंगे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर शो करेंगे, यानी सेगमेंटेशन यहाँ शो होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनालीरा। ये बायलैटरल सिमेट्री ये भी शो करेंगे, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने ही क्या मतलब है कि इसमें टू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा, यानी यहाँ पे ये जो मेंबर होंगे दे आर सिलोमेंट। क्लियर है? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अर्थवॉर्म, जैसे लीच, नेडिस, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमन के लिए यूजफुल है, कुछ ह्यूमन के लिए प्रॉब्लम क्रिएटर भी होते हैं। नेक्स्ट इज अर्थोपोडा। अर्थोपोडा दो वर्ड से आया है, अर्थो प्लस पोडा। अर्थो मतलब होता है ज्वाइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग, यानी अगर ज्वाइंटेड लेग वाले मेंबर्स होंगे तो इसको अर्थोपोडा कहेंगे। अर्थोपोडा के जो ऊपर का लेयर होता है, जो उसका एक्सोस्केलेटन बना होता है, वो काइटिन का बना हुआ होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट डियर स्टूडेंट, ठीक है? यही फिर से इसको हम लोग देखेंगे। ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं। इसके बाद जो लार्जेस्ट ग्रुप है दैट इज मोलस्का। दूसरा, इसके सिमेट्री कैसे होंगे, बायलैटरल सिमेट्री होगा, सेगमेंटेड होगा। देखो एक दो तीन चार पांच छह कई सारे सेगमेंट्स हैं हर ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। दिस ऑल आर आई डिस्कस इन अर्लियर स्लाइड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, ठीक है? जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ब्लड इसी एक वेल डिफाइंड ब्लड वेसल से पास नहीं करेगा। दूसरा, यहाँ पे जो सिलोम प्रेजेंट होंगे इसी सिलोम में ब्लड फिल्ड होगा। दे हैव ज्वाइंटेड लेग, आई हैव स्टेटेड दिस इन दिस पॉइंट। एग्जाम्पल क्या क्या है, प्रॉन्स, बटरफ्लाई, यानी आप जितने इंसेक्ट्स देख रहे हो, क्रैब्स, स्कॉर्पियंस, स्पाइडर, हाउस फ्लाई, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ दिस अर्थोपोडा, ठीक है? क्रैब्स के बारे में, यानी क्रैब्स का एक मेंबर है किंग क्रैब्स, इसके बारे में एक पॉइंट और आप लोग याद रखोगे, इट इज नोन एज लिविंग फॉसिल्स। नेक्स्ट इज मोलस्का। जो आप अंगूठी देखते हो वो अंगूठी यानी पर्ल प्रोडक्शन जो मेंबर्स करते हैं, यानी जो पर्ल हम लोगों को मिल रहा है वो मोलस्का से मिलता है। कई सारे इसमें ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में आप लोग पहले से भी पढ़ रखते हो, जैसे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का जो ये ऑक्टोपस जो नाम है ये इसका बॉटनिकल नेम है, इसका वैसे नाम एक डेविल फिश है। यूनियो, पाइला, घोंगा, शंख जिसको आप लोग करते हो, काइटॉन, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। क्या है, ये सेकेंड लार्जेस्ट मेंबर होंगे। दूसरा, यहाँ बायलैटरल सिमेट्री होगा, सिलोम होंगे, थोड़े कम होंगे, थोड़े बहुत सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होगा, दिख रहा है कि हाँ सेगमेंट है, लेकिन यहाँ सेगमेंटेशन नहीं दिखेगा, यहाँ दिख रहा है यहाँ नहीं है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। लेकिन मेन पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट, यहाँ किडनी लाइक ऑर्गेन प्रेजेंट होंगे एक्सक्रीशन के लिए। अर्थोपोडा में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा एक्सक्रीशन के लिए, इससे पहले ऐसे कोई ऑर्गेन डेवलप नहीं थे, ठीक है? नेक्स्ट इज एकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा वर्ड जो आया है ये दो वर्ड से आया है, इकाइनो प्लस डर्मा। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मा वर्ड का मतलब होता है स्किन, यानी इसका स्किन जो होगा वो स्पाइनी हो। आप डायग्राम में देख लो हर के ऊपर स्पाइन्स बने हुए हैं, ठीक है? दूसरा बात, ये फ्री लिविंग मेराइन होंगे, ये इससे कोई भी मेंबर फ्रेश वाटर में नहीं है, सारे के सारे समुद्र में भरे पड़े। दीज आर टिप्लोब्लास्टिक, यस दीज आर टिप्लोब्लास्टिक एंड हैव अ सिलोमिक कैविटी, मतलब यहाँ सिलोम प्रेजेंट है। मेन पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट कि इकाइनोडर्माटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम बात कर रहा हूँ और पॉडीफेरा में कैनाल सिस्टम है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एनटीएससी और अदर एग्जाम में आया है, ओलंपियाड वगैरह में भी आया है। इसके स्केल्टन जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल सी फिश, सी अर्चिन। सी अर्चिन का जॉलॉजिकल नेम जो है वो इकाइनस है। स्टार फिश, सी स्टार का या स्टार फिश जिसको आप लोग कहते हो, उसका बॉटनिकल नेम एस्टेरिस है। सी कुकम्बर का बॉटनिकल जॉलॉजिकल नेम होलोथोरिया है। फीडर स्टार का जोलॉजिकल नेम एंथीडॉन है, ठीक है? नेक्स्ट इज प्रोटोकार्डाटा। प्रोटोकार्डाटा को या इसी के मेंबर्स को आप लोग हेमिकॉर्डाटा भी कह सकते हो, ठीक है? इसीलिए जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन स्लाइड था वहां हेमिकॉर्डाटा वर्ड था,
प्रोटोकॉल डाटा वर्ड नहीं था। ये जो मेंबर्स होंगे बायलैटरल सिमेट्री होंगे, आप एक ही लैटरल में इसको क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। दूसरा, ये जो मेंबर्स होंगे ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और सिलोम इनमें भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे नोटोकॉर्ड नाम की एक चीज पाई जाएगी, लेकिन एट द स्टेज बिफोर देयर एडल्टहुड, लार्वा स्टेज में इसमें पाए जाएंगे नोटोकॉर्ड। बाद में ये नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिसके अंदर नर्वस टिश्यू गट से अलग करते हुए देखे जाते हैं। स्ट्रक्चर में लेबल्ड है, आप इस चीज को देखोगे। ये कंप्लीटली मेराइन है, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ब्लेनोग्लॉसस, हार्मेनिया, एम्फियोक्सिस। नेक्स्ट इज वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मेंबर्स जो होंगे, इसके फीचर्स, पांच फीचर्स से याद रखोगे, इनमें नोटोकॉर्ड होगा, डॉर्सल नर्वस कॉर्ड होंगे। कई बार यहाँ क्वेश्चन आता है डॉर्सल मतलब पीछे, कई बार क्वेश्चन आता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, तो याद रखोगे कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड नहीं होता है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। किसमें? वर्टिब्रेट्स के मेंबर में। दे आर टिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इसके बाद गिल्स, पाउच या लंग्स होंगे रिस्पायरेशन के लिए। दे आर सिलोमेट्स, यानी इसमें सिलोम प्रेजेंट होंगे। ये छह ग्रुप में क्लासिफाई होता है। सबसे पहला है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा यानी जॉलेस वर्टिब्रेट्स, इनके पास दांत नहीं होंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल इल है, आप देख रहे हो, इसका जॉलॉजिकल नेम पेट्रोमाइजॉन है। उसी तरह के हैगफिश है, कई सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को देख रहे हैं। पीशेज मछलियां हैं, कई तरह के मछली है, दो तरह के पीशेज होते हैं। पीशेज में सबसे पहला मेंबर है दैट इज बोनी फिश, फर्स्ट इज बोनी फिश। बोनी फिश का एग्जाम्पल आप लोगों को देखोगे, जैसे रोहू है, और भी एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? बोनी फिश के हैं। दूसरे होते हैं कार्टिलेजिनस फिश, मतलब उसमें बोन नहीं होंगे, कार्टिलेज होंगे, जैसे स्कॉलिडॉन, ये सारे डॉग फिश जिसको कहते हो, ये एग्जाम्पल है। ये कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली क्या है? मेराइन वाटर में पाए जाने वाले और फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है, यानी दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा बात, इसके जो ऊपर के कवर से आप देख रहे हो, इसमें स्केल्स हैं, दिख रहा है, खाली स्केल्स बने पड़े हुए, तो ऊपर का कवर जो होगा इसका, ये स्केल्स से, प्लेट से कवर होगा। ये वाटर में डिसॉल्व हुआ ऑक्सीजन को क्या करता है? अपने गिल्स के थ्रू लेता है। दूसरा, ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। अनदर एमसीक्यू शुड बी अराइज फ्रॉम दिस। इसके हार्ट जो होंगे, हार्ट हैव ओनली टू चैम्बर, जबकि ह्यूमन में चार चैम्बर होते हैं। दे ले ए, ठीक है। बहुत सारे फिशेस का यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है। इन सारे फिशेस को आप लोगों को बाय द नेम ऑफ देयर जूलॉजिकल नेम याद रखना है। एम्फीबिया, नेक्स्ट इज एम्फीबिया। एम्फीबिया और फिशेस में यही डिफरेंस है कि एम्फीबिया के मेंबर्स में स्केल्स नहीं पाए जाए। जो स्केल्स आप यहाँ ध्यान देना, रेहू के ऊपर दिख रहा है या एनाबेना के, एनाबस के ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है ना स्केल्स? ये स्केल्स जब हम बात करेंगे किसका, एम्फीबिया का, तो ये स्केल्स हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है। दूसरा बात, इसके जो स्किन्स होते हैं वहां म्यूकस ग्लैंड भरे पड़े होंगे, इसीलिए इसके मेंबर्स जो होते हैं वो स्लाइमी होते हैं, स्लिपरी होते हैं। हार्ट इसके थ्री चैम्बर्ड हार्ट होंगे। रिस्पायरेशन इसमें या तो गिल्स से हो सकता है अगर एक्वेटिक फॉर्म में जा रहा है तो, नहीं अगर लैंड में है तो बाय द हेल्प ऑफ लंग्स ये रिस्पायरेशन करते हैं। ये भी एक देने वाले मेंबर्स है। नेक्स्ट इज रेप्टाइल। रेप्टाइल्स जो होंगे ये कोल्ड ब्लडेड होंगे, स्केल्स इनमें भी प्रेजेंट होगा, ब्रेथ ये करेंगे लंग्स से, हार्ट इनके थ्री चैम्बर्ड होंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन है, ये कई बार क्वेश्चन है, दैट एक्सेप्शन आई शुड अंडरलाइन, दैट इज क्रोकोडाइल हैव फोर चैम्बर हार्ट एज लाइक एज ह्यूमन बींग्स, ठीक है। उसके बाद ये एक देंगे लेकिन वाटर में नहीं, कहाँ जाके देंगे? जमीन पे भी दे सकते हैं, जैसे टर्टल, आप जानते हो, एट द सी शोर ऑफ उड़ीसा मेनी टर्टल्स
came every year to lay their egg. कई सारे examples हैं, turtle हुआ, tortoise, chameleon, cobra, lizard, बहुत सारे examples. जो example member किसके होंगे? Reptile. They are also known as creeping organism, creeping creature, रेंगने वाले. ठीक है. Next is apes. Apes के member क्या होंगे? Warm blooded होंगे. अब तक जो members थे वो क्या थे? Cold blooded थे. इनके हार्ट कैसे होंगे? ये फोर चैम्बर हार्ट होगा, यानी यहाँ डबल सर्कुलेशन होगा. अब तक के मेंबर में सिंगल सर्कुलेशन होता था. ये एक देंगे, एक के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्सेरियस सेल होगा. दूसरा बात, इसके जो फोरलिंप होंगे, आगे के जो दो फोरलिंप होंगे ये मॉडिफाई कर जाएंगे विंग्स में, जिसके कारण ये उड़ सकते हैं. ये लंग्स के थ्रू क्या करेंगे? ब्रीथ करेंगे. एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं. Some examples are flying, such as pigeon, spider, crow, parrot. बहुत सारे examples हैं जो उड़ सकते हैं. लेकिन कुछ examples ऐसे हैं जो या तो अब हमारे बीच नहीं हैं या उड़ नहीं सकते हैं, जैसे ostrich, white shark, white stork, not the shark. Next is male tufted duck. Duck is the example of bird. ये question आएगा आगे. Next is mammalia. यानी जिसमें हम और आप आते हैं. ये वार्म ब्लडेड एनिमल होंगे, फोर चैम्बर हार्ट होगा. यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा मिल्क प्रोडक्शन के लिए, यंग वंस के लिए. दूसरा बात, हम स्किन पे हेयर्स और स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे. उसके बाद जो कुछ मेंबर्स हैं मेमेलिया, मैक्सिमम मेंबर जो है मेमेलिया के, वो यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि एक मेंबर्स ऐसा है प्लैटिपस और इकेडिनिया जो क्या करते हैं? एग देते हैं. दीज एक्सेप्शन शुड बी रिमेम्बर्ड बाय यू डियर स्टूडेंट्स. उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो पुअरली डेवलप अपने बच्चे को बर्थ देते हैं, जैसे कंगारू. आप देखे होंगे कंगारू के पाउच में हमेशा उसका बच्चा रहता है. एग्जाम्पल्स वेल, बैट. बैट इज द नॉट बर्ड, इट इज द मेंबर ऑफ फ्लाइंग मैमल्स. वेल is the not the member of fish, क्योंकि इसके पास क्या है? ये members जो होंगे ये mammalia के होंगे, largest mammal of the earth. Now the question time comes, any exercise. अब आप लोग answer करना शुरू करोगे. The first question is, which is the only phylum in any animal kingdom without any nerve cells? यानी इनमें से कौन से ऐसे मेंबर्स हैं, फाइलम हैं, जिसमें नर्व सेल्स नहीं पाए जाते? चलो बाबू आंसर करो तो जल्दी जल्दी. बिल्कुल सही है. पॉलीफेरा के मेंबर्स जो हैं, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? लेस करते हैं. किसी तरह के भी इसमें नर्व सेल्स पाए नहीं जाते. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग फ्रॉम फाइलम मोलस्का? मोलस्का का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? बिल्कुल सही, डेविल फिश, डॉग फिश जो है स्कॉलिडॉन के हैं, ये कार्टिलेजिनस फिश होते हैं. जेली फिश जो है ये मेंबर्स होते हैं किसके? ये मेंबर होते हैं सिलेंट्रेटा के. नेक्स्ट, द हायरार्कियल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. यानी डिसेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब बड़ा ऊपर, छोटा सबसे नीचे. चलिए अब इसको अरेंज कीजिए. किसने ये कहा? बहुत बच्चों ने ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक. ठीक है, यही डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर का, तो इसी चीज को आप उल्टा लिख लेते. स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ कॉकी बैक्टीरिया. कॉकी बैक्टीरिया वर्ड से पहचानो, क्या हो सकता है शेप? करो आंसर. बी.
ठीक है, स्फेरिकल शेप होगा या स्फेरिकल शेप को और आप अच्छे से लिख सकते हो राउंड या सर्कुलर शेप। कॉकी वर्ड राउंड कोकस से आया है और कोकस का मतलब राउंड होता है। अगर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता तो इसको हम लोग कहते बैसिलस, अगर कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होता तो इसको हम लोग कहते विब्रियो, अगर स्पाइरल बैक्टीरिया है तो इसको हम लोग क्या कहते स्पिरिलियम। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉर्डेट कैरेक्टर इज, इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कॉर्डाटा का है। ठीक है, पोस्ट एनाटल इज द करेक्ट आंसर। निशांत आपने बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट इज द कैनाल सिस्टम, वर्ड पकड़ोगे। द कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसके मेंबर्स में कैनाल सिस्टम होते हैं। अभिषेक यू से स्पॉन्ज, सही आंसर है स्पॉन्ज, क्योंकि एकाइनोडर्माटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, यहां कैनाल सिस्टम की बात कर रहा है। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज ए स्पीशीज, किसने दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज नोन एज, क्या कहेंगे हम लोग। सी, यही यहां थोड़ा इस चीज को आप लोग समझोगे, दैट इज डी आंसर, सिस्टमैटिक्स। क्या है टैक्सोनॉमी में हम लोग तीन पॉइंट डिस्कस करते हैं, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन एंड तीसरा नोमेनक्लेचर। लेकिन इसी के साथ अगर हम लोग एक चौथा कैरेक्टर ले ले, क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी हमारे बीच एवोल्यूशन का रिलेशन, तो ये चला जाएगा सिस्टमैटिक्स का। द राइट आंसर इज सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट, काइटिन इज प्रेजेंट इन वॉल ऑफ, फटाफट आंसर आना चाहिए। फंजाई, द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स इज, प्रोकैरियोट्स किसके मेंबर में होते हैं। मोनरा बिल्कुल सही है, प्लांटी में प्रोड्यूसर थे, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स थे, फंजाई में डिकम्पोजर्स थे। सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, सिंगल सेल यूकैरियोट्स कहां होंगे। प्रोटिस्टा बिल्कुल सही है, आर्की में आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। मोनरा में क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होंगे, यहां मल्टीसेलुलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, आंसर करो बाबू। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कौन है इसमें से, कौन दिया। ठीक है हर्षित, प्रत्यूष, टेरिडोफाइट जो होते हैं इसको हम लोग वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्रिप्टोगेम्स कहने का मतलब है जो फ्लावरिंग स्ट्रक्चर ना हो, तो फ्लावरिंग स्ट्रक्चर सर तो ब्रायोफाइट्स भी नहीं है, एल्गी भी नहीं है, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ एक शब्द है वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, यानी जिसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट हो, तो ना तो एल्गी के पास जाइलम फ्लोएम होता है ना तो ब्रायोफाइट्स के पास जाइलम फ्लोएम होता है। द आंसर, करेक्ट आंसर इज टेरिडोफाइट्स, और जिम्नोस्पर्म जो है ये फेनोरोगेम्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेज आर इंडिपेंडेंट इन, आंसर करो प्रत्यूष। द राइट आंसर इज टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट, कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन फाइलम, जल्दी से आंसर होना चाहिए इसका। कैनाल सिस्टम इस बार पूछा है मैंने, पॉलीफेरा, ठीक है।
विच हैज वेस्कुलर टिश्यू प्रोड्यूस स्पोर्स बट डजंट हैज सीड। आंसर क्या होगा? ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है जो वेस्कुलर टिश्यू वाले हो, स्पोर्स भरा है लेकिन सीड ना बने? द राइट आंसर इज स्टेरोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू होता नहीं है सर। जिम्नोस्पर्म में वेस्कुलर टिश्यू होता है लेकिन स्पोर्ट्स के जगह यहाँ सीड प्रोड्यूस होता है। एंजियोस्पर्म में वेस्कुलर टिश्यू होता है लेकिन यहाँ पे भी सीड का प्रोडक्शन होता है। स्टेरोफाइट्स वो मेंबर है जो वेस्कुलर टिश्यू है, वहां स्पोर्ट्स बनते हैं लेकिन सीड नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर। सबसे ज्यादा किसका मेंबर्स है? इंसेक्ट या अर्थोपोडा जो है, ये लार्जेस्ट किंगडम है, इनके जो मेंबर्स होंगे ये बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म आर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन एज। नेफ्रीडिया का फंक्शन क्या होता है आप जरा बताओ? नेफ्रीडिया का फंक्शन है एक्सक्रीशन का। क्या है फंक्शन? एक्सक्रीशन का, ठीक है। यहाँ गिल्स ऑफ पॉन, गिल्स जब भी रहेगा तो रिस्पायरेशन में काम करेगा सर। ट्रैकिया भी रिस्पायरेशन में काम करता है बाबू, ठीक है, फ्लेम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल आर प्रोड्यूस बाय एनिमल ऑफ फाइलम। पर्ल किससे आएगा? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मोलस्का के वो मेंबर्स हैं जहां से अंगूठियां बनती हैं, ठीक है। आंसर नाउ इट इज टाइम टू से थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवाइज इंडिया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू चैप्टर इन मेंटल एबिलिटी। ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछते ही है। लास्ट ईयर बिहार ने भी यहाँ पर फोकस किया था इस दो टॉपिक पे, जिसका नाम है वेन डायग्राम एंड सिलोलिज्म, ठीक है ना। वेन डायग्राम और सिलोलिज्म वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन इन मेंटल एबिलिटी। बिहार इतना सारा क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट्स के पेपर को उठाओगे, खोलोगे, तो आपको दिखेगा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वेन डायग्राम और सिलोलिज्म में आते हुए दिखते हैं। लेकिन बिहार से भी लास्ट ईयर अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे, 3 to 4 क्वेश्चंस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपना एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम क्या है बाबू? वेन डायग्राम तो इस पे ज्यादा बात ना करते हुए कि ये होता क्या है, ये तो सारे लोगों को बेसिक आइडिया रहता ही है, ठीक है ना। अगर मतलब हम कोई भी सेट को एक सर्कल से या फिर एक रेक्टेंगल से, इवन ट्रायंगल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिक चीजें देखते हुए चले कि अगर ऑल ए आर बी आएगा तो इसका हम लोग किस तरह से इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू? वेन डायग्राम। ऑल ए आर बी का किस तरह से हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। एकदम सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे चीजों को, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये सब कॉन्सेप्ट जो सीखोगे वेन डायग्राम का, जो भी कॉन्सेप्ट सीखोगे इसका तुम यूज करोगे सिलोलिज्म में। इसीलिए बोल रहा हूँ कि वेन डायग्राम इम्पोर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन पार्ट हम लोग देखेंगे सिलोलिज्म में, ठीक है। तो ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सपोज करो कि ए एक बॉक्स है, जिस बॉक्स में मान लो कि 2 नंबर रखा है, 1 और 2। इस तरह से मान कर चलो, ऐसे हम लोग सेट बोलते हैं कि एक इस सेट में 2 नंबर है, ठीक है। फिर मान लो एक बी है सेट, जिसमें नंबर है 1, 2, 3, 4। क्या है बाबू? 1, 2, 3, 4। अगर मैं बी के लिए लिखूंगा तो बी के लिए 1, 2, 3, 4 चारों नंबर आएंगे। ये जो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, एक तरह से डायग्राम बनाया, ये किसके लिए बना रहा हूं मैं? तो बी के लिए। किसके लिए भाई? बी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो 1 और 2 है, ये किसके लिए आया है? ए के लिए आया है क्या? दिस इज फॉर ए। तो ऑल ए आर बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा भाई? तो बाहर में हो जाएगा बी और अंदर में कौन हो जाएगा? ए। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ऑल ए आर बी का क्या होगा भाई? इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा, जो कि मैंने तुमको समझा भी दिया कि ए एक ऐसा है तुम्हारा, मान लो कि बॉक्स है या फिर कुछ भी समझ लो, जिसमें 2 नंबर है, 1 और 2,
और बी में क्या है 1 2 3 4। तुम क्या करोगे भाई, जो 1 2 है ऑब्वियस है कि बी वाले बॉक्स के अंदर ही होगा, ठीक है ना। तो ये तुमने इस तरह से समझ लिया, ठीक है। दूसरी बात, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, तो मान लो मैं यहाँ पे लिखूं मेल और लिखूं राम, क्या लिखूं बाबू मैं राम। तो अगर तुम बड़े वाले वेन डायग्राम से डिनोट करते हो मेल को इस तरह से मान लो तुम डिनोट करो मेल को, ठीक है ना, तो जितने सारे राम होंगे वो तो मेल के अंदर ही आएंगे, यहाँ पर एक आ जाएगा राम, क्या आ जाएगा बाबू राम। तो ऑल ए आर बी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मेल राम, ठीक है ना, ये तुम समझ सकते हो। अच्छा दूसरी बात ये कि क्या ऑल ए आर बी ऑल बी आर ए के बराबर होगा, नहीं। ऑल ए आर बी का तो इस तरह से डायग्राम हो गया, ऑल बी आर ए का बोलेगा तो भाई ऑल बी आर ए इस तरह से ऑल बी आर ए, ठीक है ना, कुछ करना नहीं है, ऑल बी आर ए का करना होगा तो कुछ नहीं है। इस बार तुम्हारा इनसाइड में बी रहेगा और आउटसाइड में ए रहेगा, क्या रहेगा यार ए रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब इस बार इनसाइड में बी रहेगा और आउटसाइड में कौन रहेगा, ए रहेगा। अगर एग्जांपल ही समझना है तो ले लेते हैं कि ए के अंदर 4 नंबर है 1 2 3 4 और बी के अंदर 1 2 है भाई, क्या है 1 2। तुम देखो कि जो बी के अंदर है 1 2 वो ए के भी अंदर है और ए में इवन 3 और 4 दोनों है, 3 और 4 दोनों है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, तो ऑल ए आर बी का इस तरह से बनाओगे वेन डायग्राम और ऑल बी आर ए का इस तरह से तुम वेन डायग्राम बनाओगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को। चलो सम ए इज बी, सम ए इज बी मतलब कुछ पोर्शन ए का बी के साथ है और इसी को बोल सकते हो और सम बी इज ए, ठीक है ना, सम बी इज ए, ये दोनों एक ही जैसा है। लेकिन ऑल ए आर बी और ऑल बी आर ए में डिफरेंस है, ऑल ए आर बी और ऑल बी आर ए में डिफरेंस है, लेकिन सम ए इज बी बोलो या तो सम बी इज ए बोलो बात एक ही है। तुम देखो यहाँ पर ऑल ए आर बी के लिए ये था वेन डायग्राम और ऑल बी आर ए के लिए ये था, ठीक है ना, ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। और सम ए इज बी मान लो कि ए में एक ऐसा सेट है जिसमें 2 नंबर है या 3 मान लो 1 2 3, ठीक है ना, इवन 4 भी ले लो 4, और बी मान लो कि एक तरह से दिया हुआ है जिसमें 3 4 5 6 है, क्या है भाई 3 4 5 6। तो देखना किस तरह से मैं करूंगा, मान लो मैं एक ए के लिए वेन डायग्राम बना रहा हूं, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4, ठीक है ना, और बी के लिए बनाऊं तो बी के लिए यहाँ एक्स्ट्रा क्या है 5 और 6, एक तरह से इस तरह से आ जाएगा। देखो ये हो गया तुम्हारा ए का और दिस इज योर बी, देखो तो सम ए इज बी है। देखो भाई ए में 1 2 3 4 है और बी में क्या है 3 4 5 6, ये वाला जो रीजन है यही ना कॉमन है इन दोनों के लिए, ये वाला, यही इस तरह से बनेगा तुम्हारा सम ए इज बी का वेन डायग्राम, सम ए इज बी का वेन डायग्राम इस तरह से बनाओगे, ठीक है, इस तरह से तुम बनाओगे वेन डायग्राम सम ए इज बी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको तुम बोल सकते हो कि सम बी इज ए, बात तो एक ही है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, सम बी इज ए मैंने बोला इसका भी इसी तरह तुम बना लो, यहाँ पर बी हो गया यहाँ पर ए हो गया और ये वाला रीजन क्या सब करेगा जो कॉमन है दोनों में, यही ना कॉमन है, ठीक है, दिस इज योर सम बी इज ए। तो अगर इसका एग्जाम्पल सर बताइए, तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लू और लिखू मेल डॉक्टर, क्या लिखो भाई मेल डॉक्टर, अगर मैं मेल के लिए एक वेन डायग्राम बनाऊ इस तरह से, ठीक है ना, तो जो भी डॉक्टर हो सकते हैं वो या तो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये वाला वेन डायग्राम मैं मेल के लिए बना रहा हूँ तो डॉक्टर का हो सकता है कि डॉक्टर मेल भी हो और ये भी हो सकता है कि डॉक्टर क्या हो फीमेल भी हो, इस तरह से तुम बनाओगे, ठीक है ना, ये वाला रीजन क्या शो कर रहा है कि वैसे डॉक्टर जो मेल है, वैसे डॉक्टर जो मेल है, और ये वाला रीजन क्या शो कर रहा है भाई वैसे डॉक्टर जो फीमेल है, ठीक है ना। तो सम ए इज बी का ये वाला तुम एग्जांपल याद कर सकते हो। चलो ये है नो ए इज बी, नो ए इज बी, ठीक है ना, कोई ए बी नहीं है, इसका बनाओगे इस तरह से, ए और बी बाहर बाहर कर लो, ना ए और बी का कोई रिलेशन ही नहीं है, और याद तो इसको हम लोग इस तरह से ही बनाते हैं,
इस तरह से, कोई रिलेशन नहीं है। इसका एग्जांपल मान लो कि एक जो है इसमें तुमको दे दिया है 1 2 3 4, और मान लो कि बी जो है इसमें दे दिया है 7 8 9। तो तुम देखो अगर ए के लिए तुम बॉक्स बनाओगे इसमें 1 2 3 4 फोर नंबर आएगा, और अगर बी के लिए बनाओगे तो भाई 7 8 9। देखो कोई रिलेशन है इन दोनों के बीच में? कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर आप इस तरह से कर दो इसको भाई, कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में, ठीक है ना। ये नो ए इज बी का इस तरह से बनेगा। तो नो ए इज बी बोलो या फिर नो बी इज ए बोलो, बात एक ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 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 आपको मैंने बताया था कि ऑल ए आर बी बोलो और बोलो ऑल बी आर ए, दोनों अलग अलग चीज है भाई। ऑल बी आर ए, ये दोनों में डिफरेंस है। ऑल ए आर बी में ए अंदर होता था और बी बाहर में, और ऑल बी आर ए में बी अंदर में होता है और ए बाहर में होता है, ठीक है ना। ये सब चीजों को आप अच्छे से सुन लो। सर इसका एग्जांपल क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल? अगर मैं यहाँ पे लिखूं एग्जांपल के लिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेल और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सीता। क्या लिखता हूँ बाबू? सीता। तो यहाँ पर मेल का एक अलग से तुम बनाओगे वेन डायग्राम, मेल यहाँ पर रहेगा और सीता तो मेल के अंदर नहीं आएगी ना, सीता यहाँ पर रख दो इस तरह से। मेल और सीता का कोई तरह से रिलेशन नहीं है। ये तुम्हारा वेन डायग्राम बना इस तरह से, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स हम लोग मूव करें क्वेश्चन के थ्रू और भी सीखे हमारा वेन डायग्राम क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन, अब ये जो भी क्वेश्चन होंगे बाबू सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। कैसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो इन द फॉलोइंग डायग्राम्स क्लासेज ऑफ पॉपुलेशन आर रिप्रेजेंटेड बाई 3 figures। द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स द स्कूल टीचर, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये किसके लिए यूज किया जा रहा है भाई? स्कूल टीचर्स के लिए। फिर क्या दिया है भाई? स्क्वायर जो है, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा मैरिड पर्सन। क्या? मैरिड पर्सन। और जो तुम्हारा सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों के लिए जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। देखो मैं तुमको अप्रोच भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से तुमको सॉल्व करना है। यह ट्रायंगल इज यूज फॉर स्कूल टीचर्स, स्क्वायर इज यूज फॉर मैरिड पर्सन एंड सर्कल इज यूज फॉर ज्वाइंट फैमिली, ठीक है ना। अब देखो इसी पर बेस्ड 5 questions आपको मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो question 1, मैरिड पर्सन। तो मैरिड पर्सन के लिए हम लोग स्क्वायर यूज किए थे, याद करो, और ट्राइंगल यूज किए थे हम लोग स्कूल टीचर्स के लिए, और सर्कल यूज किए थे हम लोग ज्वाइंट फैमिली के लिए, ठीक है ना। तो मैरिड पर्सन लिविंग इन ज्वाइंट फैमिली बट नॉट वर्किंग एंड स्कूल टीचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब आपको मैरिड पर्सन भी देखना है भाई और ज्वाइंट फैमिली भी वाला भी देखना है, लेकिन वो स्कूल टीचर नहीं होना चाहिए। क्या आ रहा है आंसर इसका? सी, बट डी आ रहा है। वन आंसर क्या है? डी। तुम देखो कि तुमको वो रीजन देखना है जो कि स्क्वायर और सर्कल में क्या हो, कॉमन हो, लेकिन वो रीजन ट्रायंगल में नहीं आना चाहिए भाई, वो रीजन ट्रायंगल में नहीं आना चाहिए। देखो यहां पर अगर तुम डी को देख रहे होगे, डी को, ये जो डी है वो तुम्हारा सर्कल का भी पार्ट है और साथ ही साथ स्क्वायर का भी पार्ट है, लेकिन ये जो डी है ट्रायंगल के बाहर है। तो ट्रायंगल के बाहर है तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया, ये स्कूल टीचर नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल के लिए तुम क्या यूज करते हो भाई? स्कूल टीचर यूज कर रहे हो, ठीक है, एज पर द क्वेश्चन। मतलब अगर डी जो है तुम्हारा ट्रायंगल से बाहर है, मतलब डी जो है वो स्कूल टीचर नहीं होगा, लेकिन ये जो है सर्कल का पार्ट है और साथ ही साथ स्क्वायर का भी पार्ट है। तो सर्कल से तुमको क्या मिल रहा है कि ये ज्वाइंट फैमिली वाला पार्ट है, और तुमको स्क्वायर से क्या मिला कि ये मैरिड पर्सन है, ठीक है ना। इसलिए आंसर क्या होगा? सी होगा, जो कि ऑप्शन जो कि डी है, जो कि पर्सन डी है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन हु लिव इन ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली के लिए हम लोग सर्कल यूज किए थे, ठीक है ना, ट्रायंगल यूज किए थे हम लोग तुम्हारा एसटी के लिए, और स्क्वायर किए थे मैरिड पर्सन के लिए, ठीक है ना। देखो कैसे बनेगा, क्या आंसर बाबू? सी। क्या आंसर इसका? सी है। चलो ठीक है, देख लो, पर्सन हु लिव इन ज्वाइंट फैमिली आर अनमैरिड एंड हु डू नॉट वर्क एज ए स्कूल टीचर, मतलब तुमको ये देखना है कि ऐसा पर्सन जो कि
तुम्हारा सर्कल के अंदर आ रहा हो, लेकिन ना वो ट्रायंगल का पार्ट हो और ना वो स्क्वायर का पार्ट हो, ये तुमको देखना है। तो भाई देखा जाए, मुझे तो यही एक ई दिख रहा है जो कि एक सर्कल का तो पार्ट है, लेकिन ना ये तुम्हारा ट्रायंगल का पार्ट है और ना ही ये तुम्हारा स्क्वायर का पार्ट है। सो ई इज द पर्सन हु इज अनमैरिड, हु इज नॉट अ स्कूल टीचर बट ही लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन हियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन हियर, वेरी गुड। जिनसे बन रहा है क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैरिड टीचर्स लिविंग इन जॉइंट फैमिली आर रिप्रेजेंटेड बाय, देखो अब इस बार देखना कि तुम मैरिड भी हो भाई, साथ ही साथ टीचर भी हो और साथ ही साथ वो जॉइंट फैमिली में भी रहता हो, मतलब वो तीनों का तुमको वो देखना है कि जो कॉमन क्या है तीनों में। आई थिंक बी मुझे दिख रहा है कि बी तुम्हारे सर्कल के भी अंदर है, बी तुम्हारा ट्रायंगल के भी अंदर है और बी तुम्हारा स्क्वायर के भी अंदर है। आई थिंक ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही है। कौन कौन ने ये आंसर बताया इसका आंसर? बहुत अच्छा। सो स्टूडेंट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूल टीचर्स हु आर मैरिड, ठीक है ना, स्कूल टीचर हु आर मैरिड बट डू नॉट लिव इन ज्वाइंट फैमिली, मतलब ज्वाइंट फैमिली के लिए हम लोग सर्कल यूज कर रहे थे भाई। तो तुमको ऐसा पर्सन देखना है जो कि ये इसके बाहर हो भाई, लेकिन तुम्हारा इसमें हो, स्क्वायर में भी और ट्रायंगल में भी। आई थिंक सी इज द करेक्ट वन, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, जो सी पर्सन है वो तुम्हारा ट्रायंगल के भी अंदर है, स्क्वायर के भी अंदर है, लेकिन वो सर्कल के बाहर है, मतलब सर्कल के बाहर है, दैट मींस वो क्या है बोलो, जॉइंट फैमिली में नहीं रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, स्कूल टीचर्स हु आर नीदर मैरिड नॉर डू लिव इन जॉइंट फैमिलीज आर रिप्रेजेंटेड बाय स्कूल टीचर। तो स्कूल टीचर के लिए हम लोग क्या यूज किए थे भाई, स्कूल टीचर के लिए ट्रायंगल, ठीक है ना, ट्रायंगल, मतलब तुमको देखना है ट्रायंगल के अंदर। तो आई थिंक एफ है क्या सही आंसर, मतलब ऑप्शन ए सही है, देख लो ऑप्शन ए ना, हाँ देख लो, क्योंकि यही जो एफ है जो तुम्हारे सर्कल के भी बाहर है, स्क्वायर के भी बाहर है, लेकिन ट्रायंगल के अंदर है, और ट्रायंगल के अंदर है दैट मीन्स वो क्या है, स्कूल टीचर है, स्कूल टीचर है, यहाँ तो तुम्हारा चल गया, लेकिन वो ना तो मैरिड है और ना ही वो ज्वाइंट फैमिली में रहता है, तभी ना स्क्वायर और ये सर्कल से बाहर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, आई होप ये 1 से 5 क्वेश्चन जो भी है आपको क्लियर हुआ होगा। सो स्टूडेंट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर बिलो देयर आर 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ईच रिप्रेजेंटिंग सर्टेन सेक्शन डिफरेंट, यहाँ पर दे ही दिया है तुमको, मतलब ये जो सर्कल है वो चाइनीज के लिए यूज हो रहा है, ये वाला सर्कल पेंटर के लिए हो रहा है, दिस इज यूज फॉर म्यूजिशियंस। ठीक है, सो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन, चाइनीज हु आर पेंटर्स बट नॉट म्यूजिशियंस, चाइनीज हु आर पेंटर्स बट नॉट म्यूजिशियंस, चाइनीज हु आर पेंटर्स बट नॉट म्यूजिशियंस, देख लो म्यूजिशियन नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो लास्ट का सर्कल है इसके अंदर वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक बी इज द करेक्ट वन, आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आ रहा है स्टूडेंट्स, तुम ही देखो बाबू, ये जो बी पर्सन है वो देखो चाइनीज वाले सर्कल में भी है, मतलब चाइनीज वाले वेन डायग्राम में भी है, और देखो पेंटर वाले वेन डायग्राम में भी है, लेकिन वो म्यूजिशियन से ऊपर है, मतलब म्यूजिशियन में नहीं है, मतलब यहाँ से तो आ ही गया तो म्यूजिशियन नहीं है, तो बी ही वो हो सकता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटर्स हुआ नीदर चाइनीज नॉर म्यूजिशियन, मतलब पेंटर्स देखना है जो कि ना तो चाइनीज है और ना ही म्यूजिशियन है। आई थिंक एफ इज द करेक्ट वन, एफ मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो तो बाबू, देखो स्टूडेंट्स, पेंटर्स देखना है ना, हो चाइनीज हो ना ही म्यूजिशियन, मतलब इन दोनों सर्कल के बाहर कौन है, एफ ही है ना, एफ इज द करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज हुआ म्यूजिशियन बट नॉट पेंटर्स, चाइनीज हुआ म्यूजिशियंस बट नॉट पेंटर्स, तो पेंटर्स में कौन नहीं है भाई, आई थिंक डी, आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। देखो तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन ए आ रहा है आंसर स्टूडेंट्स का, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। देख लो ये जो डी है वो चाइनीज भी है और साथ ही साथ म्यूजिशियन भी है, लेकिन वो पेंटर नहीं है, लेकिन वो पेंटर नहीं है। अगर तुम ए बोलोगे तो ए होगा तो चाइनीज ही केवल होगा, जी होगा तो केवल म्यूजिशियन ही होगा, और एफ होगा तो वो केवल पेंटर ही होगा, लेकिन जो डी होगा ना वो चाइनीज भी होगा और म्यूजिशियन भी होगा, लेकिन वो पेंटर नहीं होगा, जो कि क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है।
Option A is correct one. So student, moving to the next question, Chinese who are painters as well as musicians. मतलब तुमको तीनों का intersection देखना है. तुमको तीनों का intersection देखना है जो कि तुमको C दिख रहा होगा. क्योंकि तुमको C दिख रहा होगा. तो option C is correct one. Option C आ रहा है students. Option C आ रहा है. कितने students का आ रहा है answer इसका? C ना. युवराज का भी है क्या? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. देखो सी ही ना वो है जो चाइनीज भी है, पेंटर भी है और म्यूजिशियन भी है. तो अब आ रहा है. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. चलो स्टूडेंट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो ये भी सारे क्वेश्चन जो भी हैं तुम्हारे रिप्रेजेंट ही कर रहा है चीजों को. देखो ये जो ट्रायंगल है ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो सर्कल है वो तुम्हारे कोच को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड दिस इज रेक्टेंगल यूज फॉर प्लेयर्स. You have to tell about the girl who are player but not coach. मतलब तुमको इस ट्रायंगल और रेक्टेंगल का देखना है इंटरसेक्शन, लेकिन वो कोच नहीं होना चाहिए. I think Q B option is correct one. देखो तो ऑप्शन B है ना. ऑप्शन B देखो जो Q है वो तो गर्ल के भी अंदर आ रहा है, वो तो प्लेयर्स के भी अंदर आ रहा है, लेकिन कोच के बाहर है. वो कोच के बाहर है इसलिए Q is the करेक्ट वन. मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया. यही सारे क्वेश्चंस आपके एनटीएसी में आ रहे हैं, ठीक है ना. और हायर चांसेस है कि इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना. इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा. अब देखो एक वैरायटी ये हो गया, एक वैरायटी ये हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट फ्रांस, यूरोप, कनाडा. आपको ये पता है कि भाई यूरोप के अंदर क्या आता है? फ्रांस आता है. तो अगर मैं यूरोप के लिए वेन डायग्राम बनाऊंगा इस तरह से, यूरोप के लिए जो तुम्हारा फ्रांस होगा इसके अंदर आ जाएगा भाई. अगर मैं इंडिया लिखूं, दिल्ली लिखूं, तो अगर इंडिया के लिए वेन डायग्राम बनाऊंगा तो दिल्ली उसके अंदर ही आएगा ना. वैसे ही लेकिन कनाडा जो है, कनाडा इसके बाहर है, यूरोप में तो नहीं है. इस तरह से हो जाएगा. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. किन किन का आया आंसर ऑप्शन सी? ऑप्शन सी हाँ. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस. देखो क्वेश्चन 12, हाउस, किचन एंड बाथरूम. तो यहाँ पर तुम एक कॉमन व्यू लेके चलना. ऐसा नहीं कि किसी किसी घर में हाउस के बाहर रहता है वॉशरूम या फिर किचन. तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलना है भाई. जो जो मतलब सारे घर में मैक्सिमम पाया जाता है, एक घर के अंदर ही किचन होता है और वॉशरूम होता है. और किचन और वॉशरूम अलग अलग होता है, सेपरेटेड होता है. तो अगर मैं हाउस को एक वेन डायग्राम बनाता हूँ इस तरह से हाउस का, तो भाई इसके अंदर किचन होगा और बाथरूम होगा, लेकिन दोनों सेपरेटेड होगा. आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. आ रहा है स्टूडेंट्स? आ रहा है ना. तो बहुत अच्छा है, ऐसे रिलेट आपको करना है चीजों को. बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, ठीक है. तो अब देखो क्वेश्चन 12, उत्तर प्रदेश, आगरा एंड ताजमहल. इसका आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? उत्तर प्रदेश, आगरा एंड ताजमहल. बी हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. बहुत सही, बहुत बढ़िया. अगर तुम उत्तर प्रदेश के लिए वेन डायग्राम बनाते हो तो तुमको पता है दिस इज फॉर यूपी, दिस इज फॉर यूपी. एंड यू नो कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही क्या है? आगरा है. तो आगरा इसके अंदर ही आ जाएगा. और आगरा के अंदर क्या है? तो ताजमहल है. क्या है? ताजमहल. तो ताजमहल भी इसके अंदर हो गया. ये क्या है तुम्हारा? ताजमहल, ठीक है ना. दिस इज योर ताजमहल. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. चलो स्टूडेंट्स दिस वन, मेल्स, फादर्स एंड डॉक्टर्स. इसका आंसर क्या आएगा? मेल्स, फादर्स एंड डॉक्टर्स. मेल्स, फादर्स एंड डॉक्टर्स. ए नो. इसका आंसर कौन बताएगा? ना 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 ना, गलत है, गलत है. मतलब यू आर सेइंग कि सम फादर्स आर नॉट मेल्स, सम फादर्स आर नॉट मेल्स. आप यही ना बता रहे हो. इससे आपको अगर मैं इसके लिए मेल को लिखूं, इसको मैं मेल्स लिखूं, और ये अगर मैं फादर के लिए डिनोट करूं, तो इससे आप यही ना बताना चाह रहे हो कि सम मेल्स आर नॉट फादर. दिस इज रेडिकुलस. ये रेडिकुलस है ना भाई. तो भाई जितना अगर तुम मेल को अगर वेन डायग्राम में शो कर रहे हो, जितने फादर्स होंगे वो तो मेल के अंदर ही आएंगे. अगर मैं यहाँ से रिप्रेजेंट करूं ये मेल के लिए वेन डायग्राम, जितने भी फादर्स होंगे वो तो ऑब्वियस है ना भाई, इसके अंदर ही आएंगे.
This is for fathers. बोलो ऑप्शन बी कौन बोला ऑप्शन बी हाँ बहुत अच्छे एक्सीलेंट ऑप्शन बी इज करेक्ट वन देखो कैसे भाई ये मेल है मेल के अंदर फादर्स आया जो डॉक्टर्स होगा तो मैंने आपको बोला कि डॉक्टर मेल भी हो सकता है डॉक्टर फीमेल भी हो सकता है अच्छा ये भी चांस हो सकता है कि जो जितने फादर्स हो वो डॉक्टर हो सकते हैं देयर विल बी सम चांस ना तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो इस तरह से आप बनाओगे यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ये किसके लिए डिनोट कर किया जा रहा है डॉक्टर्स के लिए कि ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जितने मेल्स है वही डॉक्टर्स है डॉक्टर्स वाले फीमेल भी हो सकता है ना तो इसीलिए मैं सम मेल आर डॉक्टर्स एंड सम फादर्स आर आल्सो डॉक्टर्स तो आपका ये वाला ऑप्शन बी इज द करेक्ट यहाँ पर तो ये दोनों तो होगा ही नहीं ये मेल है और ये फादर है तो ये सम मेल आर फादर कैसे ये तो गलत ही है यहाँ पर बोल रहा है कि अगर तुम मेल को अंदर बना दिए और ये डॉक्टर्स है और ये फादर्स है चलो भाई एक को तो अंदर रखना ही है लेकिन देखो डॉक्टर्स को भी अंदर रख दिया है मेल के अंदर वो गलत है ना डॉक्टर तो फीमेल भी हो सकती है तो देखो ये वाला करेक्ट बना है बी वाला अगर तुम इसको ले रहे हो मेल तो डॉक्टर सम पार्ट ऑफ मेल इज डॉक्टर एंड सम फादर्स आर आल्सो डॉक्टर ये वाला करेक्ट ऑप्शन बी है तो आपको इस तरह से जज करना है वेन डायग्राम को आई थिंक आप लोग का बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ आप तक मेरी बात पहुंची होगी ठीक है ना तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग बढ़ते हैं सिलोजिज्म में ठीक है ना सिलोजिज्म पे अब क्या है ना बाबू इसमें अब इसमें ना देखो अगर तुम कोई भी बुक पढ़ोगे इसके रिगार्डिंग चैप्टर वो नंबर ऑफ रूल्स तुमको बताएगा ये रूल फॉलो करो वो रूल फॉलो करो कि मैं बोलूंगा कि तुमको कोई रूल याद करने का जरूरत नहीं है ठीक है ना कोई रूल याद करने का जरूरत नहीं है जो भी मैं मेथड बताऊं सॉल्व करने का अगर तुम वो मेथड से बनाओगे तो तुम कोई भी क्वेश्चन बना लोगे ठीक है ना कोई भी क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर लोगे ठीक है इसके बाद आज के लेक्चर के बाद जो भी लेक्चर होगा वहां पर हम लोग तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिलोलिज्म पे ठीक है ना और लास्ट ईयर तुम्हारे बिहार में 3 क्वेश्चन पूछे हैं अगले लेक्चर में मैं वही 3 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा तुम्हारा लेक्चर और एनटीएसी स्टेज 2 का भी प्रॉब्लम तुमसे करवाऊंगा सिलोलिज्म पे तुम देखना कि आफ्टर टुडे लेक्चर तुम इतने इजी तरीके से उस क्वेश्चन को कर लोगे ठीक है ना दो तीन मैं तुमको रूल बताऊंगा दो तीन चीजें मैं बताऊंगा और उसको तुम अच्छे से सुनना जो भी तुमको क्वेश्चंस रहते हैं वो स्टेटमेंट वाइज रहते हैं और कंक्लूजंस वाइज रहते हैं तो तुमको पहले करना क्या है कि तुमको स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाना है कि अभी तुमने वेन डायग्राम बनाना सीखा है ठीक है ना जो भी स्टेटमेंट्स हो उसके उसको लेके तुमको वेन डायग्राम बनाना है भाई ठीक है उसके बाद तुमको ये देखना है दो तीन रूल्स मैं बता रहा हूँ जैसे कि कंक्लूजन पार्ट देखना है क्या देखना है कंक्लूजन ठीक है तो अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो अगर तुम्हारे सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो देयर विल बी नो एनी नेगेटिव कंक्लूजन रूल वन इज व्हाट इफ देयर विल बी नो एनी नेगेटिव स्टेटमेंट्स देन देयर विल बी नो एनी नेगेटिव कंक्लूजन अगर सारे स्टेटमेंट आपके क्वेश्चंस में पॉजिटिव है तो जो भी कंक्लूजन नेगेटिव दिया होगा वो फॉलो नहीं करेगा ठीक है दिस इज द फर्स्ट रूल ठीक है सेकेंड रूल ये है कि जब भी तुम वेन डायग्राम बनाओगे तो वहां पर तुम मिनिमम कटिंग पॉइंट रखना क्या रखना बाबू मिनिमम कटिंग पॉइंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी तुम स्टेटमेंट का यूज करके वेन डायग्राम बनाओ तो उसमें कटिंग पॉइंट मिनिमम रखना सर इसका मतलब क्या है तो देखो मान लो कि मैं पहला स्टेटमेंट दूं कि सम ए इज बी एंड दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑल बी आर सी तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट के हेल्प से मुझे वेन डायग्राम बनाना हो अगर मुझे इन दो स्टेटमेंट के हेल्प से वेन डायग्राम ड्रॉ करना हो तो मैं क्या करूंगा पहला स्टेटमेंट का यूज करके मैं कैसे करूंगा तो दिस इज ए एंड दिस इज बी ठीक है ना ये है तुम्हारा बी दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड ऑल बी आर सी अब स्टूडेंट क्या करेंगे जनरली ऑल बी आर सी है ना तो यहां से एक बना देंगे ये हो जाएगा सी ये इस तरह से बना देंगे कि ऑल सम ए इज बी हो गया और यहां पर हो गया ऑल बी आर सी ये वेन डायग्राम है देखो ये वेन डायग्राम भी सही है लेकिन
हमारे रूल के अकॉर्डिंग जो हम लोग करना चाहेंगे यहाँ पे सिलोलिज्म में, उसके लिए ये गलत है मेरे अकॉर्डिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग तुमको कैसे बनाना है वेन डायग्राम वो तुम सीखो, वो तुम सीखो। तो क्या करोगे, पहला तो लिखोगे कि सम ए इज बी, इस तरह से भाई सम ए इज बी बना लो, ये है ए और ये है बी, ठीक है ना। ऑल बी आर सी बनाने के लिए तुम क्या करना, यहीं से इस तरह से कंटिन्यू कर देना, ये पूरा जो हो गया वो क्या हो गया सी। देखो तो यहाँ पर कटिंग पॉइंट तुमको कितना कम मिला, यहाँ पर देखो कटिंग पॉइंट, यहाँ भी कटिंग हो गया, यहाँ भी कटिंग है, यहाँ कटिंग है, ये कटिंग है, ये देखो हम लोगों ने वो किया ना, कटिंग पॉइंट बचाया ना, यहाँ पर सम ए इज बी भी फॉलो हो गया और साथ ही साथ मैं इसी को एक्सटेंड करके सी बना दिया, यहाँ से ये डिनोट हो गया कि ऑल बी आर सी भी तो है। देखो तो तुमको बनाना है तो मिनिमम कटिंग पॉइंट रखना है भाई, तुमको क्वेश्चन में जो वेन डायग्राम बनाएंगे उसमें कटिंग पॉइंट कम रखना है, ठीक है, जितना कम हो सके, ठीक है। इसके बाद क्या था कि अगर तुम्हारा स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन निगेटिव नहीं होना चाहिए। थर्ड बात क्या है, तीसरा बात यह है कि अगर दो स्टेटमेंट से अगर दो अलग अलग जैसे ए और बी है, ए और बी है, जैसे यहाँ पर बता देते हैं ऑल बी आर सी हो ना, एक और लिख लो कि सम सी इज डी, सम सी इज डी, देखो एक और मैं स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बना, सम सम सी इज डी यहां से बना लो, ये हो गया डी। अब स्टूडेंट कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, नहीं हम यहां से बनाएंगे, तो यहां से बनाओगे तो जब तुम देखोगे, देखना तुम देखोगे कि ए से भी कट हो जाएगा, बी से भी कट हो जाएगा, सी से भी कट हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी तुमको सिखाया है मैंने कि कटिंग पॉइंट्स काफी कम रखना है, जितना कम हो सके। तो सम सी इज डी का तुम इस तरह से बनाओ, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर अगर तुमको क्वेश्चन में ए और डी के बारे में इंफॉर्मेशन दे, किसके किसके बारे में, ए और डी के बारे में, कि सम ए इज डी या फिर नो ए इज डी या फिर ए और डी से रिलेशन कोई मतलब तुमको दे, कंक्लूजन में ए और डी के बारे में कुछ भी पूछे, तो उन कंक्लूजन को तुमको रॉन्ग लेना है। क्या लेना है भाई, रॉन्ग लेना है। क्यों भाई, क्योंकि तुम देखोगे कि ए और डी का क्लियर रिलेशन अभी आपको पता नहीं है, आपने एक जस्ट अभी मिनिमम कटिंग पॉइंट्स के लिए डी को यहाँ बना दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि डी और ए के बारे में कुछ भी दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया। देखो तुम ये स्टेटमेंट्स है यहाँ पर डी और ए के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, डी और ए के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, मतलब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। तो तुम कैसे कंक्लूजन में बोल सकते हो कि कोई भी डी ए नहीं है या फिर सम ए आर डी, तो अगर ए और डी के बारे में कुछ भी कंक्लूजन दे बिना बताए ए और डी के रिलेशन के बारे में, तो तुम उस कंक्लूजन को रॉन्ग रखना, रॉन्ग लेके चलना, ठीक है ना। फिर आता है कि कहीं 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 कंक्लूजन में तुमको दिखेगा इधर और का, कि कैसा दिखेगा कि आइदर कंक्लूजन दिस और दिस फॉलोस, आइदर कंक्लूजन दिस और दिस फॉलोस। आज तक आई थिंक कि एनटीएससी स्टेज टू में भी इस ऑप्शन पे क्वेश्चन ही पूछा है इधर और वाला, और स्टेज वन का छोड़ी दो कि इधर और पर पूछेगा, लेकिन इसके बाद भी हम लास्ट के दो क्वेश्चन में समझाएंगे तुमको कि इधर और कहाँ पर आता है, ठीक है। इसके पहले चार से पांच क्वेश्चन में तुम अपना बेस बनाओ, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट वाइज सम कॉल्स आर मैसेज, सम कॉल्स आर मैसेज। देखो पहले स्टेटमेंट से मैं पहले दो स्टेटमेंट का यूज करके मैं वेन डायग्राम बनाता हूं। देखो सम कॉल्स आर मैसेज, दिस इज कॉल्स एंड दिस इज फॉर मैसेज। देखो दिस इज फॉर कॉल्स, ये तुम्हारा कॉल के लिए है कॉल्स, एंड दिस इज फॉर मैसेज, मैसेज, ठीक है। फिर क्या दिया है, ऑल मैसेजेस आर चैट। तो अभी अभी मैंने तुमको सिखाया था कि तुम ज्यादा कटिंग पॉइंट मत करना, यहां से ही इसको क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, ठीक है। दिस इज फॉर चैट्स, दिस इज फॉर चैट्स। देखो तुम्हारा वेन डायग्राम बन गया, स्टेटमेंट का यूज करके तुम्हारा वेन डायग्राम बन गया, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे, सम चैट्स आर कॉल्स, सम चैट्स आर कॉल्स। कहां देखो, ये तो रिलेशन पता ही है, ये रिलेशन तो पता ही है कि भाई ये मैसेज, ये तुम्हारा कुछ कॉल मैसेज था और सारे मैसेज चैट्स है, यहां से तो ऑब्वियस है भाई कि सम चैट्स क्या होंगे, कॉल्स होंगे। तो कंक्लूजन वन तो क्या है, सही है। दूसरा देखो, ऑल कॉल्स आर चैट्स, ये तो गलत है, सारे कॉल्स तो चैट्स नहीं है, तो ऑप्शन टू इज रॉन्ग वन, सॉरी कंक्लूजन टू इज रॉन्ग। All my messages are calls. All messages, ये भी गलत है, ये तो है ही नहीं, some messages are calls ना, तो conclusion one follows, only conclusion one follow, option B is correct one। आ रहा है students,
स्टूडेंट्स, देखो ये एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बेस बना रहे हैं अपना सिलोलिज्म का, क्या बना रहे हैं भाई, बेस बना रहे हैं, इसी पर हम लोग अपना बिल्डिंग तैयार करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर टू, नो बैट इज बैडमिंटन। अच्छा यहाँ पर देख लो, ये सारे स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अगर कोई कंक्लूजन निगेटिव होता तो वो ऐसे ही गलत हो जाता, ठीक है ना। तो वैसे ही देखना कि कोई स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है मतलब कोई भी कंक्लूजन निगेटिव होगा ही नहीं, जो भी आएगा तो वो रॉन्ग कर देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन टू, नो बैट इज बैडमिंटन, नो बैडमिंटन इज फुटबॉल एंड ऑल बास्केटबॉल्स आर बैट्स। तो देखो अब मैं इसका बना रहा हूं वेन डायग्राम, नो बैट इज बैडमिंटन, ठीक है। यहां पे मैं बना दिया बैट को, ठीक है। एंड रुको और अच्छे से करना पड़ेगा इसको, इरेज ऑल, देखो नो बैट, ये है तुम्हारा बैट, यहाँ पर बना दो बैडमिंटन, ये कोई भी बैट तुम्हारा बैडमिंटन नहीं है, बैडमिंटन नहीं है। चलो फिर आगे क्या दिया है भाई, कि नो बैडमिंटन इज फुटबॉल, नो बैडमिंटन इज फुटबॉल, ये क्या है फुटबॉल, ठीक है। अब देखो फिर क्या दिया है, ऑल बास्केटबॉल आर बैट्स, तो बास्केटबॉल बैट के अंदर आ जाएगा, बास्केटबॉल बैट के अंदर आ जाएगा, ये होगा किसके लिए भाई, तो बास्केटबॉल के लिए, किसके लिए आया तुम्हारा ये, बास्केटबॉल के लिए, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ये तो तुम्हारा बन गया वेन डायग्राम। अब हम लोग आएंगे कंक्लूजंस पे, किस पर आएंगे भाई, कंक्लूजंस पे। अब देखो पहला कंक्लूजन क्या है, कि सम बैट्स आर बास्केटबॉल, ठीक है, ऑल बास्केटबॉल्स आर बैट्स, तो सही बात है, इतना वाला रीजन जो बैट का है वो बास्केटबॉल है कि नहीं, सही है, मतलब कंक्लूजन वन इज करेक्ट, कंक्लूजन वन इज करेक्ट, ऑल बास्केटबॉल्स आर बैट, तो इसी को क्या बोल सकते हैं, सम बैट्स आर बास्केटबॉल, एक ही बात है, ठीक है। नो फुटबॉल इज बास्केटबॉल, यहाँ देखो एक कंक्लूजन निगेटिव है, दो है, मतलब यहाँ पे निगेटिव कंक्लूजन हो सकता है, यहाँ निगेटिव कंक्लूजन हो सकता है, डायरेक्टली नहीं बना दोगे। यहाँ क्या दिया है कि नो फुटबॉल इज बास्केटबॉल, कोई भी फुटबॉल बास्केटबॉल नहीं है। लेकिन अगर तुम वेन डायग्राम से इसको सोचोगे तो तुमको लगेगा कि हाँ ये तो जो कंक्लूजन दिया है वो सही दिया है, लेकिन तुम यहाँ पर दिमाग लगाना बाबू, कि क्या ये बैट या फिर बास्केटबॉल का फुटबॉल से कोई रिलेशन दिया है, नहीं दिया है, मतलब तुम्हारा बैट या फिर ये जो बैट था वो बैडमिंटन से रिलेटेड नहीं था ना, बैडमिंटन फुटबॉल से रिलेटेड नहीं था, लेकिन बैट और फुटबॉल का या फिर बैट के अंदर क्या है, बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल का फुटबॉल तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो तुम इतना श्योरली कैसे कह सकते हो कि कोई फुटबॉल बास्केटबॉल नहीं है, ठीक है ना। दैट मीन्स इतना आप कंफर्म तरीके से नहीं बोल सकते हो, दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग हियर, ठीक है। नो बैडमिंटन इज बास्केटबॉल, हाँ ये तो सही है, देखो जब पूरा बैट ही बैडमिंटन नहीं है, जो तुम्हारा पूरा बैट ही बैडमिंटन नहीं है, तो यहां पर तुम देखोगे, यहाँ पर तुम देखोगे कि जो भी बैट के अंदर होंगे वो भी नहीं होंगे, देख लो तुम यहाँ पर, जो भी यहाँ पर बैट के अंदर होंगे वो भी नहीं होंगे भाई, तुम देख लो यहाँ पर, अगर तुम्हारा ये बिहार है, ये तुम्हारा अगर बिहार है, बिहार तुम्हारा अगर यूपी से रिलेटेड नहीं है, बिहार तुम्हारा यूपी से रिलेटेड नहीं है, तो बिहार के अंदर अगर पटना हो, पटना भी यूपी से रिलेटेड नहीं होगा, ये तो बात सही है, जितना अगर बिहार यूपी से रिलेटेड नहीं है तो बिहार के अंदर जो भी होगा वो भी यूपी से रिलेटेड नहीं होगा, तो देख लो मतलब बास्केटबॉल तुम्हारा बैडमिंटन से रिलेटेड नहीं होगा, ये वाला तो बात सही है भाई, देखो ऑल बैट बैट्स आर बास्केटबॉल, ये तो गलत है, सम बैट इज बास्केटबॉल ना, सारे बैट्स तो बास्केटबॉल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, मतलब कंक्लूजन वन एंड थ्री फॉलो, कंक्लूजन वन एंड थ्री ये तो कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, बोलो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, None of this is correct. आ रहा है किसी स्टूडेंट का, नहीं नहीं गलत है, डी नहीं होगा, वन एंड थ्री, कंक्लूजन कौन कौन से सही है भाई, वन एंड थ्री, देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से मेरी बातों को सुनो, अच्छे से मेरी बातों को सुनो तुम, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। मैंने क्या बोला कि पहले तुम वेन डायग्राम बना लिए भाई, मिनिमम कटिंग पॉइंट से तुमने वेन डायग्राम बना लिया, पहला क्या लिखा कि सम बैट्स आर बास्केटबॉल, थोड़ा एक बार समझने में दिक्कत होता है, समझो अच्छे से, सम बैट्स आर बास्केटबॉल्स, ठीक है ना, मतलब देख लो कि सारे बास्केटबॉल बैट्स है, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये तो होगा ही ना बास्केटबॉल,
तो पहला तो कंक्लूजन सही ही है, नो फुटबॉल इज बास्केटबॉल। देखो इसका रिलेशन बैडमिंटन से दिया था और बैडमिंटन का रिलेशन फुटबॉल से दिया था, कोई भी रिलेशन बैट और फुटबॉल का नहीं है। तुम इतना मतलब कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो कि नो फुटबॉल इज बास्केटबॉल? दैट मींस कंक्लूजन टू इज रॉन्ग। मैंने शुरू में ही बोला कि जब भी दो वेन डायग्राम के बीच का इंफॉर्मेशन ना दिया हो तब तक आप कुछ भी कमेंट करना सही नहीं है, इसलिए कंक्लूजन टू इज रॉन्ग। अब ये क्या दिखा है, नो बैडमिंटन इज बास्केटबॉल, ये तो सही है। जब कोई बैट बैडमिंटन था ही नहीं तो बैट के अंदर जो भी होगा वो भी बैडमिंटन नहीं होगा, तो ऑप्शन कंक्लूजन 3 इज करेक्ट वन। एंड कंक्लूजन 4 इज ऐसे ही गलत होगा कि ऑल बैट्स आर बास्केटबॉल। सारे बैट्स थोड़ी बास्केटबॉल होंगे, सम पार्ट ऑफ बैट्स ना बास्केटबॉल, तो नन ऑफ दिस इज करेक्ट। मतलब कंक्लूजन 1 एंड 3 इज करेक्ट। अब बताओ किनको किनको आया समझ में, थोड़ा लाइक का तुम लोग दे दो, थम्स अप कर दो जरा, तुम लोग सारे लोग थम्स अप कर दो अभी, जो जो को समझ में आया। कि आगे हम लोग बढ़े क्या क्वेश्चन में, थम्स अप बताओ स्टूडेंट्स, आया कि फिर से समझाया एक बार बताइए स्टूडेंट्स, आ रहा है आया किसी का क्या, आया ना, चलो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, सम बॉक्सेस आर हैमर्स, सम हैमर्स आर डील एंड ऑल डील्स आर रिंग्स। सो कंक्लूजन दिया हुआ है सम रिंग्स आर हैमर्स, सम हैमर्स आर बॉक्सेस एंड सम रिंग्स आर बॉक्सेस। बनाइए क्या इसका आंसर आ रहा है, क्या इसका आंसर है, क्या इसका आंसर आया है बाबू? ए ना, ए गलत है। अरे तुम लोग क्यों दिक्कत हो रहा है भाई, वेन डायग्राम बनाओ अच्छे से। और देखो जब दो कंक्लूजन के बीच में या दो स्टेटमेंट के बीच में सही नहीं दिया है चीजों को, क्या है फिर आया किसी का आंसर बी। अब सारा तुम लोग ऑप्शन बोल दो, ए बी सी कोई ना कोई तो होगा ही, गलत हो गया तो बी और सी डी में कोई ना कोई होगा, तो बी अच्छा ये भी गलत है, तो प्रोबेबिलिटी यही दो का होगा, तो कोई सी बोल दो, तो सी भी नहीं तो डी आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, सी भी आ गया, सी किसका आया है, देखो बनाओ मेरे साथ साथ बनाओ तुम लोग अपने कॉपी पे, क्या है सम बॉक्सेस आर हैमर्स। देखो अगर मैं इसको बॉक्सेस से डिनोट करूं, बॉक्सेस से यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या होगा भाई, हैमर्स होगा, देखो हैमर्स एंड फिर क्या है सम हैमर्स आर डील, सम हैमर्स आर डील, दिस इज योर डील ठीक है ना, एंड ऑल डील आर रिंग्स। यहीं से कंटिन्यू कर दो, ये वाला पूरा पोर्शन किसके लिए हो जाएगा, रिंग्स के लिए, ये पूरा पोर्शन रिंग के लिए हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, कंक्लूजन पहला क्या दिया है, सम रिंग्स आर हैमर्स, सम रिंग्स आर हैमर्स, तो देखो ना सम हैमर्स आर डील था ना, और सारे डील जो है वो रिंग है, ये वाला पोर्शन तो है ही ना बाबू, सम हैमर्स आर रिंग्स, और कंक्लूजन वन इज करेक्ट वन, कंक्लूजन वन सही है। सेकंड देखिए, सम हैमर्स आर बॉक्स, सम हैमर्स आर बॉक्स, सम हैमर्स आर बॉक्स, ये भी सही है ना, देखो ये वाला रीजन तो है ना, सम हैमर्स आर बॉक्स ठीक है, मतलब ये वाला भी ऑप्शन टू भी सही है ठीक है। अब देखो फिर क्या दिया है, सम रिंग्स आर बॉक्सेस, सम रिंग्स आर बॉक्सेस ठीक है ना। अब देखो बाबू यही यही पर तुमको पकड़ना था, यही पर तुमको पकड़ना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम बॉक्सेस आर हैमर्स एंड सम हैमर्स आर रिंग्स ठीक है, बट देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन गिवन कि भाई बॉक्स और रिंग का क्या रिलेशन है या बॉक्स और डील का क्या रिलेशन है, तो मतलब तुम कैसे बोल सकते हो सम रिंग्स आर बॉक्सेस, सम रिंग्स आर बॉक्सेस, ये बात कहना गलत है ना। मैं स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही बता दिया था कि भाई जब भी दो वेन डायग्राम के बीच में कुछ गिवन ना हो, भले तुम यहाँ वेन डायग्राम से बता सकते हो कि सर देखिए ना बॉक्स और रिंग में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हो, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि जो मैंने ये बनाया है, ये जो वेन डायग्राम बनाया है, ये मिनिमम कटिंग पॉइंट को दिमाग में रखकर बनाया है, लेकिन तुम देख रहे होगे जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में बॉक्स और रिंग के बारे में या बॉक्स या फिर डील के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो जब कुछ भी नहीं दिया है तो हो सकता है कि कोई भी रिंग बॉक्स ना हो, हो सकता है कि कोई रिंग बॉक्स हो ठीक है ना, मतलब आप
मतलब आप ये कह नहीं सकते हो कि सम रिंग्स आर बॉक्सेस। यहाँ पर अगर ये भी लिखा रहता कि नो रिंग इज बॉक्सेस, वो भी गलत होता, ठीक है ना। तो अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिया हो रिगार्डिंग टू वेन डायग्राम, जैसे बॉक्स और रिंग या बॉक्स और डील के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो उनके बारे में जो भी कंक्लूजन होगा वो गलत होगा, ठीक है ना। हियर कंक्लूजन वन एंड कंक्लूजन टू फॉलो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। आई होप मैं जो भी बोल रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर तुम इस क्वेश्चन में देखो कि बॉक्स का हैमर से रिलेशन दिया है, हैमर का डील से दिया है, लेकिन कोई भी रिलेशन बॉक्स का रिंग से नहीं दिया है, बॉक्स का डील से नहीं दिया है, इनके बारे में जो भी कंक्लूजन होगा वो गलत होगा। या तो पॉजिटिव तुम्हारा बात बोले इसके बारे में, या तो नेगेटिव बात बोले, या तो ये बोल दे कि बॉक्स कुछ बॉक्स रिंग है, या फिर ये बोल दे कोई बॉक्स रिंग नहीं है, जो भी दिया रहेगा वो तुम्हारे लिए गलत होगा। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन हियर। सो स्टूडेंट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो यहाँ पर नो व्हाट्सएप इज इंस्टाग्राम, ऑल इंस्टाग्राम और फेसबुक एंड सम फेसबुक का स्काइप, ठीक है। ये तो आप लोग अच्छा लग रहा होगा फेसबुक इंस्टाग्राम देख के, स्काइप देख के, व्हाट्सएप देख के। बनाइए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाइए, किस तरह से बनाइएगा, इसका आंसर सही बताना। नो व्हाट्सएप इज इंस्टाग्राम, ऑल इंस्टाग्राम आर फेसबुक, सम फेसबुक आर स्काइप, then conclusion given are no WhatsApp is Skype, some Facebook are Skype. So option A is neither one or two follows, option B is only one follows, option C is only two follows, and option D is either one or two follows. But D B, देखो either or तुमको यहाँ दिख गया, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूंगा, आगे एक बार बना लो, option B बोला है लो, बनाओ अच्छे से बनाओ। ऑप्शन सी कौन बोल रहा है, और बनाओ इसको सही से। और किसी का नहीं आया डी, इधर और इस तरह से नहीं आता है, इधर और के लिए कंडीशन है। देखो इधर और का कंडीशन लिख लो, इधर और कहां पर आएगा, देखो इधर और का कंडीशन लिख लो भाई, कहां पर आइदर और आता है, देखो आइदर कंक्लूजन दिस और दिस फॉलो, तो आइदर और तब आता है, तीन कंडीशन है, जब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो, व्हेन बोथ कंक्लूजंस आर रॉन्ग, ये बात याद रखना, आइदर और तभी आएगा जब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो, ठीक है। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात है कि सब्जेक्ट शुड बी सेम, दोनों कंक्लूजन का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है सर, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप अच्छे समझ में आओगे, सब्जेक्ट शुड बी सेम। एंड थर्ड बात है कि अगर कंक्लूजन वन, और यहां मैं कंक्लूजन टीप टू लिख रहा हूं, अगर कंक्लूजन वन सम से स्टार्ट हो रहा है तो कंक्लूजन टू को किससे स्टार्ट होना चाहिए, नो से, और या तो कंक्लूजन टू नो से स्टार्ट हो रहा है तो कंक्लूजन वन सम से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, या तो कंक्लूजन वन ऑल से स्टार्ट होना चाहिए या कंक्लूजन टू सम नॉट से, इसे सम नॉट से, और इसी तरह कंक्लूजन वन सम नॉट से स्टार्ट हो तो कंक्लूजन टू ऑल से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ये तुम्हारा कंडीशन है आइदर और का, पहला कंडीशन क्या है भाई, जो भी दो कंक्लूजन है वो दोनों रॉन्ग होने चाहिए। सेकेंड क्या है कि जो भी सब्जेक्ट है दोनों कंक्लूजन का, मतलब कि एक ही सब्जेक्ट के बारे में दोनों कंक्लूजन बात कर रहा है, तो वो भी तुम्हारा अगर है तो सही है। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर पहला कंक्लूजन सम से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा नो से होना चाहिए, या फिर इसका रिवर्स, अगर ये नो से स्टार्ट हो रहा है तो ये सम से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर पहला कंक्लूजन ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा सम नॉट से, या तो ये सम नॉट से स्टार्ट हो रहा है तो ये ऑल से, ठीक है ना। इतना बात को दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं हटाता हूँ इसको, क्या है, तो पहला है नो व्हाट्सएप इज इंस्टाग्राम। देखो यहां पर अगर मैं व्हाट्सएप बना दू, दिस इज योर व्हाट्सएप एंड नो बोला है, मतलब बीच में रिलेशन कोई है ही नहीं, यहाँ पर क्या है भाई, ये है इंस्टाग्राम,
ठीक है ना, इंस्टाग्राम, और यहां से आ जाएगा तुम्हारा फेसबुक। क्या आ जाएगा भाई? ऑल इंस्टाग्राम और फेसबुक, दिस इज योर फेसबुक। ठीक है, फिर क्या दिया है कि सम फेसबुक और स्काइप। अब देखो यहां पर बनाओगे तो ज्यादा वो हो जाएगा कटिंग पॉइंट, यहां पर बना दो। ये क्या है तुम्हारा? स्काइप है। ये क्या है? स्काइप है। अब देखते हैं कंक्लूजंस को, अब देखते हैं अपन लोग कंक्लूजन को। पहला कंक्लूजन क्या है? सारे स्टेटमेंट तुम्हारे पॉजिटिव नहीं है, मतलब एक स्टेटमेंट तुम्हारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन हो सकता है, नेगेटिव कंक्लूजन हो सकता है। तो देखो, नो व्हाट्सएप इज स्काइप, देख देख लिया जाए, नो व्हाट्सएप इज स्काइप। ये देखो व्हाट्सएप का रिलेशन इंस्टाग्राम से दिया है, ठीक है, और इंस्टाग्राम फेसबुक के साथ है, और सम फेसबुक और स्काइप है। तो क्या व्हाट्सएप का डायरेक्ट रिलेशन स्काइप से दिया है? नहीं दिया है भाई, नहीं, यही तो मैं बार बार आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कोई भी रिलेशन व्हाट्सएप का स्काइप से नहीं है। हो सकता है कि कुछ स्काइप व्हाट्सएप हो सकता है, देर इज अ चांस, आप मतलब कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते ऐसा होगा ही। तो नो व्हाट्सएप इज स्काइप, गलत कंक्लूजन है, ये तो गलत है ना। अब देखो सम फेसबुक और स्काइप, सही बात है, सम यहां तो दिया ही ना, स्टेटमेंट क्या दिया है? सम फेसबुक और स्काइप, और यहां भी क्या दिया है? सम फेसबुक और स्काइप। स्टेटमेंट टू क्या है तुम्हारा? सही है। स्टेटमेंट टू क्या है, सॉरी कंक्लूजन टू क्या है? सही है, मतलब कंक्लूजन वन फॉलो नहीं किया, कौन सा किया? कंक्लूजन टू फॉलो किया। ठीक है, आइदर और के लिए क्या होना चाहिए? दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए था, पहला कंडीशन तो यही है, आइदर और के लिए दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। साथ ही साथ दोनों सेम सब्जेक्ट की बात कर रहा है, जैसे अगर ये व्हाट्सएप और स्काइप का बात कर रहा है, ये भी व्हाट्सएप और स्काइप का बात करना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर पहला नो से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा सम से होना चाहिए। लेकिन देखो नो और सम वाला तो कंडीशन फुलफिल किया, लेकिन दोनों कंक्लूजन तुम्हारे यहाँ पे रॉन्ग नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आइदर और नहीं आ रहा है। ठीक है ना, चलो ये देखो ये क्वेश्चन, ऑल ट्रेन्स आर बसेस, नो मेट्रो इज बस एंड ऑल बसेस आर मेट्रो, नहीं ऑल बोट्स आर मेट्रो। तो पहले आप क्या करो भाई, तो पहले आप यहाँ स्टेटमेंट के हेल्प से वेन डायग्राम को सॉल्व करो। तो वेन डायग्राम बनाओ, ये जो भी स्टेटमेंट दिए हैं इनके हेल्प से तुम वेन डायग्राम सॉल्व करो, और उसके बाद कंक्लूजन को देखो भाई। ठीक है ना, देखो इस क्वेश्चन को बनाओ, क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है इसका? आंसर किसी का नहीं आ रहा है, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ, क्वेश्चन बनाओगे तो आंसर आएगा भाई। बी ओनली वन टू थ्री फॉलो, ओनली क्या, तीन ही तो स्टेटमेंट है, ऑल मतलब ए और बी दोनों एक ही ऑप्शन हो गया है, देखो तो ए और बी दोनों एक ही ऑप्शन हो गया है, ऑल फॉलो बोलो या तो वन टू थ्री फॉलो बोलो, ए और बी दोनों एक ही ऑप्शन है भाई, ए और बी दोनों एक ही ऑप्शन है। देखो ऑल ट्रेन्स आर बसेस, तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेन के लिए बना दू, किसके लिए भाई, ट्रेन के लिए, तो ऑल ट्रेन आर बसेस, तो बाहर कौन हो जाएगा, बस। ये क्या हो जाएगा भाई, बस। फिर क्या दिया है कि नो मेट्रो इज बस, तो बाहर से यहाँ पर यहाँ बना दो मेट्रो, क्या बना दो, मेट्रो। ठीक है, अब फिर क्या है, ऑल बोट्स आर मेट्रो, ऑल बोट्स आर मेट्रो, रुक जा हमको तो मैंने थोड़ा छोटा बना दिया इसको, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, चलो ऑल नो मेट्रो इज बस, नो मेट्रो इज बस, रुक जा, ऑल ट्रेन्स आर बसेस, नो मेट्रो इज बस। ठीक है ना, मतलब ये जो है तुम्हारा हो गया मेट्रो, क्या हो गया भाई, ये मेट्रो, और मेट्रो के अंदर क्या है, बोट्स है, इसके अंदर क्या है भाई, ये है तुम्हारा बोट्स, ये तो तुम्हारा वेन डायग्राम बन गया, ये सिंपल सादा वेन डायग्राम बना है, नो बोट इज ट्रेन, सही बात है। तुम देखो अगर मैं यहाँ पे बना दू बिहार, ठीक है, मैंने बड़ा वाला जो है वो बिहार है, बिहार के अंदर मैं बना दू पटना, क्या बना दू पटना, यहाँ बना दू मैं झारखंड, बना दू झारखंड, और इसके अंदर मैं बना दू रांची, इसके अंदर मैं क्या बना, रांची। तो देखो मतलब बिहार का कोई रिलेशन झारखंड से नहीं है एक तरह से देखो तो बिहार के अंदर पटना भी है वो भी झारखंड से रिलेटेड नहीं है, या फिर रांची भी झारखंड से, सॉरी पटना से रिलेटेड नहीं है, बिहार से रिलेटेड नहीं है। तो तुम देखो नो बोट इज ट्रेन, सही बात है भाई, कोई बोट ट्रेन तो है नहीं, मतलब रांची क्या तुम्हारा बिहार पटना हो सकता है, नहीं भाई, ये ऑप्शन सही है, कंक्लूजन सही है, और यहाँ पर एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी है, तो नेगेटिव कंक्लूजन पॉसिबल है,
नो बस इज बोट, कोई भी बस बोट नहीं है, ये भी सही है। क्या बिहार रांची में कुछ हो सकता है? बिहार रांची के लिए चलते नहीं है भाई। सेकेंड ऑप्शन भी सही है, नो ट्रेन इज मेट्रो, कोई भी ट्रेन तुम्हारा मेट्रो नहीं है। देख लो भाई, कोई भी ट्रेन मेट्रो नहीं है, मतलब क्या पटना झारखंड का रिलेशन है? नहीं है भाई। तीनों कंक्लूजन सही है, मतलब ऑल फॉलो या तो 1, 2, 3 फॉलो बोलो, दोनों ऑप्शन सही है। आर स्टूडेंट समझ में? ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज, या इससे पहले ये क्वेश्चन बनाओ आगे, 7 नंबर क्वेश्चन पहले सॉल्व करो। ऑल लायंस आर टाइगर्स, देखो यहाँ पर इधर और आ गया है, दिमाग में रखना कि दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, और एक अगर सम से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा नो से होना चाहिए, ठीक है ना, या फिर एक अगर आ रहा है ऑल से तो दूसरा सम नॉट से होना चाहिए। ठीक है, बनाइए इसको। ऑल लायंस आर टाइगर्स, अगर मैं अंदर में लायन बना दूं भाई तो बाहर में क्या होना चाहिए? टाइगर्स, क्या होना चाहिए? टाइगर्स, ठीक है। सम टाइगर्स आर हॉर्सेज, यहाँ पे बना दो भाई हॉर्सेज, क्या बना दो? हॉर्सेज, ठीक है, इस तरह से। तो फिर क्या बोला है? सम हॉर्स आर लायन, सम हॉर्स आर लायन, कहां से भाई सम हॉर्स आर लायन, ये कैसे होगा? कंक्लूजन वन गलत है, कंक्लूजन वन गलत है, ठीक है। नो हॉर्स इज लायन, नो हॉर्स इज लायन, ये भी क्या है? गलत है, देख लो। अरे भाई कोई रिलेशन दिया है टाइगर का और इसका, सॉरी लायन का और हॉर्स का कोई रिलेशन दिया है? ऑल लायंस आर टाइगर्स, इसके लिए बना दिए सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि कुछ हॉर्सेस लायंस हो। ये तो देखो टाइगर और हॉर्स का रिलेशन दिया है, तो हो भी सकता है कि हॉर्स लायन हो, और नहीं भी हो सकता है कि वो, तो यहाँ पर मे बी और मे नॉट भी आ गया, तो तुम उस कंक्लूजन को गलत लेके चलोगे। सम हॉर्स आर लायन, तो ये हो भी सकता है, तो हो भी सकता है मतलब ये डेफिनेटली तो नहीं बोल सकते हो ना, यहाँ पर मे बी रहता, पॉसिबिलिटी वाला रहता तो आप सही लेते हैं, यहाँ तो बोल रहा है कि डेफिनेटली बोल रहा है कि कुछ हॉर्स लायन है, लेकिन ऐसा तो सही बात है नहीं भाई, तो कंक्लूजन वन गलत है। अभी बोला कि नो हॉर्स इज लायन, तो ये भी हम बात नहीं बोल सकते हैं कि कोई हॉर्स लायन नहीं है, हो भी सकता है कि वो, तो हो सकता है, जहां भी चांसेस की बात हो तो उस कंक्लूजन को गलत लेके चलोगे, तो वन और टू दोनों गलत है, मतलब दोनों कंक्लूजन तुम्हारे गलत है, ठीक है। तो नाइदर वन और टू मारने के पहले तुम आइदर और वाला चेक कर लेना, क्या यहाँ पर आइदर और हो सकता है, तभी नाइदर और नॉर मारना, ठीक है ना, नाइदर नॉर है ये, नीदर नॉर। अब देखो तो पहला बात कि दोनों कंक्लूजन गलत है, हमारा इधर और का पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया, दूसरा कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, यहाँ भी हॉर्स और लायन का बात कर रहे हैं और यहाँ भी हॉर्स और लायन का बात कर रहे हैं, तो ये दूसरा कंडीशन भी सही है। सर तीसरा कंडीशन क्या था? तो अगर एक सम से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा नो से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कंडीशन सही है, मतलब यहाँ पर इधर और आना चाहिए, यहाँ पर इधर वन और टू फॉलोस, करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? आ रहा है किस तरह से हो रहा है? और इसी क्वेश्चन को तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन बना के, ये वाला क्वेश्चन बना के, जो भी आंसर बताए बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ये क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ स्टूडेंट्स, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आना चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या रहा आंसर स्टूडेंट, किसी का आया? बनाइए आराम से बनाइए, एकदम पेशेंसली, एकदम अच्छे से बनाओ, मजे में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है, बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, बताओ स्टूडेंट्स, अच्छे से बताना, सोच के, सोच समझ के बताना है भाई, रैंडमली नहीं बता देना है, सोच समझ के बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, किसी का आंसर अभी तक नहीं, क्या बात है, कितना तुम लोग सोच रहे हो? सम ब्लैक और पिंक, देखो बना रहा हूं, दिस इज फॉर ब्लैक, किसी का आंसर आया विवेक? ठीक है, सम ब्लैक और पिंक, दिस इज क्या, बी, बी या बी, बी कौन बताया बी, हाँ वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। देखो सम ब्लैक आर पिंक, सम पिंक आर ब्लू, ठीक है, अब देखो एंड सम ब्लू आर वाइट, इस तरह से तुम बना लिए भाई इसका वेन डायग्राम, अब देखना
वेन डायग्राम तो बन गया हम लोग का। भाई कंक्लूजन पे सम व्हाइट आर ब्लैक, तो देखो ब्लैक और व्हाइट का कोरिलेशन दिया है, नहीं दिया तो तुम कैसे बोल सकते हो? तो पहला कंक्लूजन गलत। देखो सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट अलाउ ही नहीं है, तो फोर्थ वाला भी गलत हो गया भाई। सम ब्लू आर ब्लैक, ब्लू और ब्लैक का भी कोई रिलेशन नहीं है, कैसे तुम बोल सकते हो? ये भी गलत। सम ब्लैक आर ब्लू, ये भी गलत। तुमको ब्लू और ब्लैक के बारे में पता है? मतलब यहाँ चारों कंक्लूजन गलत है भाई। देखो जहां भी वन एंड फोर फॉलो, टू एंड थ्री फॉलो, ये तो होगा ही नहीं, सी और डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। इधर और में आएंगे, इधर वन और टू होगा कि इधर वन और फोर होगा? तो वन और टू में देखोगे तो देखो दोनों कंक्लूजन तो गलत है, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। देखो ये व्हाइट और ब्लैक के बारे में बात कर रहा है और ये ब्लू और ब्लैक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ देखो ये सम से स्टार्ट हो रहा है और ये सम से स्टार्ट हो रहा है। मैंने बताया था कि एक सम से होना दूसरा नो से होगा, मतलब ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो वन और फोर, तो वन का भी सब्जेक्ट व्हाइट है और ब्लैक है, और फोर का भी क्या है भाई? व्हाइट और ब्लैक, मतलब सब्जेक्ट भी सेम हुआ, दोनों कंक्लूजन भी गलत है, और साथ ही साथ एक का स्टार्टिंग पॉइंट सम है, दूसरा क्या है भाई? नो है। मतलब यहाँ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया, इसीलिए आंसर क्या होगा भाई? इधर वन और फोर फॉलोस, ठीक है स्टूडेंट्स? आ रहा है समझ में? सो स्टूडेंट्स टाइम हो गया है, ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग इसी पर बेस्ड 10 से 15 सवाल करेंगे जो की आ चुके हैं तुम्हारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में अलग अलग स्टेट्स में, और कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग स्टेज टू के लिए भी करेंगे, ठीक है गाइस? तो थैंक यू वेरी मच, और अच्छे से पढ़ाई करो। बाय एवरीवन। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट, रजिस्टर ऑन आवर वेबसाइट edurizeindia.com टू ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस।